हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप लोग। सो आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। सो आज हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर जो वन शॉट वीडियो लेकर के आए थे, यानी कि पिछले वाला वीडियो, उसको हम लोग पूरे तरीके से मतलब कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो आज उसके ऊपर पार्ट टू वीडियो बन रहा है क्योंकि मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया था। तो आज पार्ट टू वीडियो बन रहा है जिसमें हम लोग जो बचा हुआ टॉपिक्स है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ सीबीएसई का जो सिलेबस है उसके हिसाब से जो बचा हुआ टॉपिक्स है उसको हम लोग कर रहे हैं। अगर आपको इस मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर डिटेल्ड कॉन्सेप्ट चाहिए, मतलब सारा जितना जेई मेन तक का जो लेवल तक का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको भी कवर करने वाला अगर वीडियो चाहिए, तो उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको उस लेवल तक का भी वीडियो मिल जाएगा, उसका भी प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है। तो अभी हम लोग तो फिलहाल जितना पढ़ाई कर रहे हैं इस पे वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी भी जो बोर्ड्स वाला लोग हैं वो लोग भी देख सकता है, और इसमें हम एक्सप्लेनेशन आपको इतना आसान और ज़बरदस्त देने वाले हैं। और इसमें देखिए, आप पिछले वाला वीडियो और इस वाले वीडियो दोनों को देख के आप ये मतलब कंक्लूड कर सकते हैं कि हर एक टॉपिक सिलेबस है सीबीएसई का, इसके हिसाब से कवर किया हुआ है। तो ये पैराग्राफ बच गया था, ये वाला हम लोग, तो ये वाला पैराग्राफ जो बच गया उसी को हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग डिटेल में एकदम सबसे पहले बात करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। हम सारा फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मुलाज ये देखे भी होंगे। इस वाले टॉपिक में हम लोग को ये फॉर्मूला पढ़ना है, आई बी एल साइन थीटा। पिछला वाला वीडियो गाइस आपका देखा होना चाहिए, तभी ये वाला समझ में आएगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। उसके बाद फिर ये फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, एफ बराबर म्यू नॉट बाई टू पाई आई वन आई टू अपॉन आर, ये वाला फॉर्मूला है ना, आई वन आई टू। अभी ये दोनों का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आ सकता है ना, इसका भी आ सकता है, इसका भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला टॉर्क एक्सपीरियंस बाई, ये सारा डेरिवेशन और सारा अंडरस्टैंडिंग एकदम फील के साथ डिटेल में बताएंगे आपको, है ना, छोटा छोटा वीडियो कोशिश करेंगे बनाने का। टाओ बराबर एन निब्बा साइन थीटा, निब्बा साइन थीटा, निब्बा साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे हम लोग, ठीक है, ये इस टॉपिक से रिलेटेड है, ये वाला से रिलेटेड। फिर ये जो आपका करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल, उसमें हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब एम बराबर आई ए, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है आपका एम सी जी, यानी कि मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेल में डिस्कस करने के बाद इसका सेंसिटिविटी के बाद बात करेंगे मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर डिटेल में, मतलब कि सारा कंस्ट्रक्शन डायग्राम एकदम जबरदस्त टाइप से, और टाइम स्टैम्प हम मेंशन कर दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट में हम इसका टाइम स्टैम्प मेंशन कर दे रहे हैं कि किस टॉपिक को कितना टाइम पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक भी देखना है तो आप टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर को, उसके बाद फिर इसका सेंसिटिविटी ये सब के बारे में बात करेंगे। फिर कन्वर्जन वाला जो लास्ट टॉपिक आता है, मतलब कन्वर्ट करेंगे हम लोग गैल्वेनोमीटर को एममीटर में और वोल्ट मीटर में। ये कोचिंग में इस पर बहुत दिक्कत होता है, तो मतलब कि समझने में किसी किसी को बहुत दिक्कत होता है, तो आपको आप ये वीडियो देखिए, आपको इसे ये समझ में आएगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है लेकर के, कि मतलब अंडरस्टैंडिंग कहाँ पर स्टूडेंट को समझने में दिक्कत हो रहा है, वो सारा बात यहाँ कवर हो गया, कोई ऐसा पार्ट आपको मिसिंग नहीं दिखेगा, मतलब कि कोई ऐसा चीज़ नहीं रहेगा, मेरा इस बात हम इस बात का गारंटी लेते हैं कि कोई ऐसा चीज़ नहीं रहेगा जिसमें आपको कहीं पर डाउट कहीं पर कठिनाई रहेगा, सारा चीज़ एकदम डिटेल में फाड़ दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, आई बी एल साइन थीटा, इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जाता है, वो सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले वाला वीडियो आपको जरूर से देखा होना चाहिए, तभी आज का वीडियो देखने में मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए। तो गाइस आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो पहला टॉपिक है मेरा, जो पहला टॉपिक है ना, फर्स्ट टॉपिक जो है अभी का, चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। और पहले यहाँ पर किसके बारे में बात करना है, फोर्स, और एकदम आपको ना एकदम प्यार हो जाएगा मतलब ये टॉपिक से, मतलब बकवास नहीं लगेगा भाई, एकदम ज़बरदस्त लगेगा। तो आराम से पढ़ भाई, धमाकेदार पढ़, एकदम मज़ा आएगा पढ़ने में, देख भाई। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देख भाई, अब पहले एक बात याद रखे यार कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर यूनिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो ये सारा बात सही नहीं, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म अगर मैग्नेटिक फील्ड हो गया तब तो भाई साहब उसका वैल्यू हर जगह अलग अलग हुआ, तो फिर हम लोग फोर्स निकालने में बहुत कष्ट होगा, इसलिए हम लोग यूनिफॉर्म। और ये जो चैप्टर चल रहा है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ऑब्वियसली इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि चार्ज का जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, और चार्ज का स्पीड यूनिफॉर्म है इसलिए यहाँ पर जो बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो भी 100% श्योर क्या होगा, यूनिफॉर्म ही होगा, क्योंकि चार्ज भाई कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ये मालूम है ना, चार्ज कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। अब देख भाई, पहले यहाँ पर लिखा है कि फोर्स कितना लगता है, अब ये किसके बारे में, पहले भाई देखिए है क्या, पहले वो समझ भाई। देख, मेरे पास एक वायर था, उस वायर को हम उठाए और उस वायर को उठा के हम रख दिए मैग्नेटिक फील्ड में।
अब हमको लगा कि जैसे मान लो ये वायर है भाई, है ना, अब ये बता भाई कि जैसे ये वायर जो है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा। वायर में जब करंट बहता है तो एक इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, करोड़ों इलेक्ट्रॉन को कॉम्बिनेशन से उस वायर में करंट बहता है। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है कि वायर में करंट बह रहा है ढेर सारा इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन की वजह से। तो उस करंट की वजह से क्या हो रहा है, अब देखो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लॉरेंस, एक साइंटिस्ट था उसका नाम क्या था, लॉरेंस। वो सोचा कि अगर एक चार्ज पे फोर्स लगता है, तेरे को याद होगा अगर तू पीछे वाला वीडियो देखा है तो, ये वाला हम लोग निकाले थे क्यू वी बी साइन थीटा, ये जो होता है ना ये फोर्स एक चार्ज पे, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एक चार्ज पे लगता है। तो ये जो साइंटिस्ट था लॉरेंस, वो सोचा कि अगर एक चार्ज पे फोर्स लग सकता है तो क्यों ना एक वायर, एक ढेर सारा जब चार्ज का कॉम्बिनेशन रहेगा तो क्या उस पर फोर्स लगेगा। तो जवाब है हाँ, अगर एक चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो ढेर सारा चार्ज का फ्लो अगर हो रहा है तो उस पर भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो वो क्या किया कि एक वायर ले लिया, देखिए यहाँ पर लिखा भी है करंट कैरिंग वायर, एक करंट कैरिंग वायर लिया जिसमें ढेर सारा चार्ज था, ऑब्वियसली भाई साहब करंट बन रहा है तो चार्ज तो ढेर सारा होगा। तो उसको वो कहाँ रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में, उसके वजह से क्या लगा मैग्नेटिक फोर्स, जिसका कैलकुलेशन अभी हम लोग करने वाले हैं। तो आजा भाई शुरू करते हैं जल्दी से इसको, है ना, इसका डेरिवेशन है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करते हैं। अब भाई एक बात समझ ले, यहाँ पर जो हम मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे वो मैग्नेट से बनेगा। यहाँ पर एक हम मैग्नेट ले रहे हैं, जिस ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, और ये एक और मैग्नेट ले रहे हैं, इस मैग्नेट का ये है साउथ पोल, और इसके बीच में क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना। यहाँ पर क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इस तरीके से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रहा है। और उसी में हम क्या रख रहे हैं, यहाँ पर उसी में हम यहाँ पर एक वायर रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, एक वायर। अब देख भाई इसी मैग्नेट को अगर हम ऐसे घुमा दें, समझना, इसी मैग्नेट को अगर हम ऐसे घुमा दें तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर नहीं चल जाएगा। सर क्या बोल रहे भाई, सिंपल हम बोल रहे हैं, देख यहाँ पर बना के बताते हैं, जैसे किताब में बनाता है उसी लॉजिक से अगर इसको बनाया जाए तो यहाँ पर अगर क्या है, इसको हम लोग अगर ऐसे कर दें, हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग इसको ऐसे कर दें, ये देख यहाँ पर, और ये हम यहाँ पर ना मैग्नेट का एक्चुअली में पोल्स बना रहे हैं, मतलब कि मैग्नेट का होता है ना नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो एक ही मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना रहे हैं, ठीक है। ये मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट है, और ये मैग्नेट का मान ले भाई नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है, ठीक है। तेरे को मालूम होगा कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है और कहाँ घुसता जाके साउथ पोल में, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगा और कहाँ जाएगा साउथ, मतलब कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। हाँ सर ठीक है, ये बढ़िया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ किस एक्सिस में है, सर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, सर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, ऊपर जा रहा है सर, मतलब वाई एक्सिस में, हाँ ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किस में है, वाई एक्सिस में, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास एक कंडक्टर है, वही वायर है ना, ये जो वायर हम दिखा रहे थे उस वायर को हम यहाँ ऐसे रख दिए, उस वायर को ऐसे रख दिए, ठीक है। और ये वायर में करंट ऐसे जा रहा है, तो अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, उसके उल्टा दिशा में, ये मालूम है ना, ये तो फर्स्ट क्लास का है कि करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के उल्टे डायरेक्शन जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास मान ले एक वायर है, ये मोटा सा वायर बनाया हम लोग, और ये वायर जो है वो ऐसे रखा हुआ है, तो इस वायर में इस डायरेक्शन में कौन बह रहा है, करंट। और अगर करंट उस तरफ जा रहा है, अच्छा यहाँ पर करंट उस तरफ जा रहा है, और मान ले कि यहाँ पर हम ये इसको एज्यूम कर लेते हैं, ये एल एक एज्यूम करते हैं वायर का लेंथ, ये एल क्या एज्यूम किया, वायर का लेंथ, ठीक है। और इसमें भाई साहब करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट किस एक्सिस में हुआ, सर करंट हुआ, सर करंट ऐसे जा रहा है सर, तो करंट एक्स एक्सिस में हुआ, ठीक है, करंट किस में हुआ, एक्स एक्सिस में, ठीक। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग कि अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि इस करंट और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस करंट पे या फिर इस पूरे कंडक्टर पे, इस पूरे कंडक्टर पे मतलब वही करंट पे, करंट पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। और तेरे को पता है इस वाले वायर पे सही में, ये जो वायर हम लोग लिए हैं ना यहाँ पर जिसमें करंट बह रहा है, इसमें सही में एक फोर्स लगता है, ये एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया है, सही में इस पर फोर्स होता है, मतलब सही में ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर डिफ्लेक्शन होता है वायर में, ठीक है। तो अब फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो ऑब्वियसली किस में होगा, जेड एक्सिस में। सर क्या बात कर रहे हैं, सर जेड एक्सिस में आपको कैसे मालूम चला, क्योंकि भाई देख तेरे को पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर देख फॉर्मूला मेरे पास ये है, फॉर्मूला में हमको जो ड्राइव करना है ना यहाँ लिख देते हैं ना, टू प्रूफ जो करना है फॉर्मूला वो मेरे पास ये है, यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला हमको लेके आना है एफ मैग्नेटिक वेक्टर बराबर, एफ मैग्नेटिक वेक्टर बराबर आई एल क्रॉस बी, ये फार्मूला ड्राइव करना है। अब तू देख ले यहाँ पर भाई वही वाला फार्मूला जो लिखे थे उस समय, ये वाला एफ एम बराबर क्यू बी साइन, ये एल आई बी एल साइन थीटा, आई बी सर्दी है भाई थोड़ा, बी एल साइन थीटा, यही वाला लेके आना है, बस इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखें, ये दोनों एक ही बात है,
यहाँ एल और बी को क्रॉस करके एल बी साइन थीटा लिखते हैं ना, वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स का है और ये वेक्टर फॉर्म में है और ये सही स्केलर फॉर्म में है, ठीक है। अभी हमको ये ड्राइव करना है, तो देख भाई एक चीज़ तेरे को पता होगा, इलेवंथ में पढ़ाया गया होगा ये, कि जब भी दो चीज़ का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं हम लोग, जब भी दो चीज़ का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उस क्रॉस प्रोडक्ट से जो तीसरा वाला आंसर आता है वो हमेशा परपेंडिकुलर आता है। मतलब समझ ले भाई, ये वाला जो होगा ना मैग्नेटिक फोर्स, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर किसके? परपेंडिकुलर इनके। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये एल और बी के हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो अगर तेरा, अच्छा बता भाई एल किधर होगा? एल का मतलब लेंथ, और तेरे को मालूम है कि जो लेंथ होता है वो करंट के ही डायरेक्शन में होता है। तो करंट का डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ, यानी कि लेंथ वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, ये लेंथ का भी डायरेक्शन होगा। मतलब करंट जिस तरफ बह रहा है उसी तरफ किसका डायरेक्शन होगा? लेंथ वेक्टर का। जिस तरफ करंट का फ्लो है उसी तरफ लेंथ वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा, ठीक। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो जेड एक्सिस में आएगा। इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। देख भाई करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, करंट का ये डायरेक्शन है, सॉरी करंट का नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ है ना, ये मार्क कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है ना, ये मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है करंट एक्स एक्सिस में, तो मतलब करंट ऐसे है, तो ये पाम कहाँ आ रहा है? बाहर की तरफ। तो यानी कि मैग्नेटिक फोर्स कहाँ आएगा? बाहर की तरफ, है ना। अगर तेरा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है और ये करंट ऐसे है, तो तेरा जो पाम आ रहा है वो बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स जेड एक्सिस में। बोले थे ना कि मैग्नेटिक फोर्स जेड एक्सिस में। अब यहाँ पर हम यूज़ किए हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, है ना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पिछले वाले वीडियो में बता दिया गया बहुत अच्छे से, उसको जाके देखना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग चार उंगली जब ऐसे रखेंगे और अंगूठा ऐसे करंट के डायरेक्शन में, तो ये पाम बाहर की तरफ आ रहा है। तो मतलब मेरा जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? बाहर की तरफ। देख ले चक्कर के, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट ऐसे, तो ये पाम ऐसे, ठीक है। ये रूल है, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, हाँ पाम रूल बोल सकता है इसको। अब भाई एक बात याद रखना होगा कि राइट हैंड पाम रूल या फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल दोनों से सेम काम होगा। चाहे तू राइट हैंड पाम रूल बोल ले, चाहे तू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोल ले, दोनों से काम सेम होने वाला है, दोनों से सेम आंसर आएगा, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल, या तो पाम रूल हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। चार उंगली, देखिए यार अगर नहीं पता है तो हम यहाँ पर बोल दे रहे फिर से, चार उंगली मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में रख, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है, और करंट की दिशा में तेरे को रखना है अपना अंगूठा को। तो करंट तो ऐसे जा रहा है ना, और करंट मतलब कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो करंट तो ऐसे जा रहा है, तो यानी कि करंट के डायरेक्शन में अंगूठा और ये चार उंगली ऐसे, तो पाम तेरा बाहर की तरफ आ रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ होगा? जेड एक्सिस, यानी कि बाहर की तरफ। अब तू एक बात बता भाई, ऑनेस्टली बताना, तेरे को ये बात मालूम होगा शायद कि करंट अगर इस तरफ जाता है तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसके उल्टा दिशा में होता है। मालूम है ना ये कि करंट अगर ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसका उल्टा दिशा में होता है। यानी कि करंट अगर इस केस में ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस तरफ होगा। यस सर, बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन्स हम बोल रहे हैं, खाली इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक झुंड में बहता है ना, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे झुंड में तरफ होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार वीडियो में सब चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ आ तो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस तरफ होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस तरफ है तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब अलग इलेक्ट्रॉन का चलने का स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इस तरफ होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन भी इधर ही होगा। मालूम है ना ये बात? यहाँ पर लिख देते हैं हम, यहाँ पर हम एक बार लिख देते हैं कि जो ड्रिफ्ट भी है, साफ साफ लिख दीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरफ, क्योंकि तेरे को मालूम है। यहाँ पर लिख देते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसका डायरेक्शन क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन है माइनस एक्स एक्सिस, है ना। करंट अगर एक्स एक्सिस में है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो किसमें होगा? माइनस एक्स एक्सिस में। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये चारों बात बड़ा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको। अब तेरे को थ्योरी भी यहाँ लिखना पड़ेगा एग्जाम में, है ना। एग्जाम के अंदर थ्योरी भी लिखना पड़ेगा कि जो एक हम लोग कंडक्टर ले रहे हैं, कंडक्टर जो है वो एक्स एक्सिस में है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस में है। तो जब हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं तो उस राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके हमको ये मालूम चलता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो जेड एक्सिस में होगा। इसको अंग्रेजी में कैसे लिखना है? अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड द कंडक्टर एक्सपीरियंसेज अ मैग्नेटिक फोर्स विच इज कैलकुलेटेड एज। अब हम लोग मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। आजा भाई जल्दी से मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर है ना साइड में। तो यही वाला फॉर्मूला एक्चुअली में ड्राइव करना है, और तेरे को बताएं हम कि इसको खोल के तू लिख सकता है आई बी एल साइन थीटा, तो सेम बात होगा, क्योंकि एल क्रॉस बी का मतलब एल बी साइन थीटा, मालूम है ना। एल और बी को क्रॉस करने से क्या होगा? एल बी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट को खोलने से, एल क्रॉस बी को खोलने से आ जाएगा एल बी साइन थीटा, क्लियर है, ठीक। तो अब हम लोग इसको डराइव करते हैं जल्दी से। तो डेरिवेशन बहुत सिंपल है इसका, है ना। यहाँ पर हम प्रूफ करते हैं, यहाँ पर डराइव करते हैं। तो यहाँ पर लिखना है प्रूफ, है ना। यहाँ से हम लोग डेरिवेशन शुरू कर रहे हैं। उसके लिए पहले लिखना पड़ेगा कि ये सब तो बात तो सारा लिखा हुआ है। अभी पहले ये मानना पड़ेगा कि जो कंडक्टर है उस पर फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर हम लोग फोर्स निकालेंगे सिर्फ, अगर हम लोग बात करें कि इस कंडक्टर के अंदर अगर फोर्स निकालना है तो उसको हम लोग एक काम करते हैं एफ एम से डिनोट कर देते हैं। किससे? एफ एम से। अब तेरे को एक बात मालूम होगा यार कि पिछले बार तू ये फॉर्मूला पढ़ा है, यहाँ पर लिखते हैं हम फॉर्मूला पढ़ा होगा तू भाई क्यू वी बी साइन थीटा।
तो ये जो फॉर्मूला है ना मैग्नेटिक, ये भी मैग्नेटिक फोर्स का ही फॉर्मूला है, क्यों भी साइन थीटा। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो किसी एक चार्ज पे लगता है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो किसी एक चार्ज पे लगता है। लेकिन आज जो हम लोग मैग्नेटिक फोर्स का बात करने वाले हैं वो करंट के बारे में बात करने वाले हैं, और करंट का मतलब कि वहाँ पर तो ढेर सारा चार्ज होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग पहले क्या करेंगे कि किसी एक चार्ज का फोर्स निकाल लेते हैं, किसी एक चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है उसको निकाल लेते हैं, और उसको अगर हम लोग नंबर ऑफ चार्जेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल फोर्स नहीं मिल जाएगा। नहीं आया समझ में भाई साहब? किसी यहाँ पर n का मतलब क्या है, n का मतलब पहले लिख देते हैं, यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ चार्जेस, है ना, नंबर ऑफ चार्जेस। नंबर ऑफ चार्जेस मतलब टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, n को टोटल नंबर ऑफ चार्ज लिखना चाहिए, टोटल, है ना, टोटल उसके अंदर कितना चार्ज है वो है n, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। उस कंडक्टर के अंदर टोटल कितना चार्ज है उसके बारे में बोल रहे हैं। तो जितना भी टोटल चार्ज है उसको अगर हम लोग किसी एक चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, देखो फोर्स हर चार्ज पे लग रहा है, तो किसी एक चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है अगर हम लोग वो पता कर लें और उसको नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ चार्ज से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल फोर्स नहीं मिल जाएगा, और टोटल फोर्स मिल जाएगा, और उसी टोटल फोर्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आई एल क्रॉस बी। समझ आया ना? बस बस यही समझना है। तो हम लोग ये जो फोर्स होता है वो क्यू वी साइन थीटा होता है, तो उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। अच्छा, ये एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ चार्ज, और ये टोटल नंबर ऑफ चार्ज को निकालने का तरीका, इसको हमें भी इक्वेशन वन मान रहे हैं, है ना। और एक काम करते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में लेते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि ये भी फोर्स वेक्टर होता है ना, ये वाला जो फोर्स होता है ये वेक्टर, और दोनों फोर्स तो ऑब्वियसली वेक्टर होता है। अब मतलब कि ये जो क्यू वी भी साइन थीटा है इसको भी हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हम लोग थीटा के बारे में अभी जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहते हैं, इसलिए इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। इसको लिखेंगे हम लोग क्यू वी क्रॉस बी, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, वेक्टर, ये जो फोर्स है तो इसके जगह ये डाल देंगे, देखना अपने आप ये ड्राइव हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, ये अब मतलब कि ये n का पहले जस्टिफाई करते हैं ना, तो इधर हम कर रहे हैं n का मतलब यहाँ पर क्या है, n का मतलब है नंबर और टोटल नंबर ऑफ चार्ज। अब टोटल नंबर ऑफ चार्ज यहाँ कैसे निकालेंगे, किसके अंदर टोटल नंबर ऑफ चार्ज, कंडक्टर, ये जो कंडक्टर बनाया है इसके अंदर, है ना, टोटल नंबर ऑफ चार्ज ये किसके बारे में बोल रहे हैं, बहुत लोग इसमें भी कन्फ्यूज हो जाएगा, कंडक्टर के बारे, टोटल नंबर ऑफ चार्ज उस कंडक्टर के अंदर कितना है उसके बारे में हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो अभी आराम से देखना भाई, ये n को टोटल नंबर ऑफ चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है कि एक जगह पे मान ले कि अगर चार इलेक्ट्रॉन है, मान ले कि एक जगह पे एक दो तीन इलेक्ट्रॉन है, मान ले इस कंडक्टर में एक जगह पे तीन इलेक्ट्रॉन है, तो इस कंडक्टर का पूरा वॉल्यूम में हर जगह तीन 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 का इलेक्ट्रॉन होगा ना। तो अगर हमको पता चल जाए n का मतलब, यहाँ स्मॉल n का मतलब हम लिख देते हैं, बहुत लोग को स्मॉल n नहीं मालूम होगा, ये n निकालने का टोटल चार्ज निकालने का फॉर्मूला है ये, स्मॉल n का मतलब हम यहाँ लिख देते हैं, स्मॉल n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम मतलब एक छोटे से जगह में, स्मॉल n का मतलब है कि इस छोटे से जगह में, इस छोटे से जगह में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसको स्मॉल n बोल रहे हैं। तो अगर इस छोटे से जगह में कितना इलेक्ट्रॉन है हमको मालूम चल जाए, और हम लोग इस पूरे पूरे वायर का वॉल्यूम से उसको मल्टीप्लाई कर दे, तो हमको मालूम चल जाएगा ना कि पूरे वायर में कितना इलेक्ट्रॉन है। सर समझ नहीं आया, यहाँ पर मान ले तीन इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हमको मालूम चल गया कि यहाँ तीन इलेक्ट्रॉन है, तो हमको n मालूम चल गया, n का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि इसमें तीन इलेक्ट्रॉन है, और अगर हमको, और हम क्या कर देंगे, ये तीन इलेक्ट्रॉन को इस पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको मालूम चल जाएगा टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है। हाँ समझ में आया अभी सर, तो ये n, और ये v का मतलब वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का मतलब होता है, वॉल्यूम का मतलब तू बचपन में पढ़ा भी होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इस कंडक्टर का जो लेंथ है, लेंथ 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 इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ का मतलब क्या हो जाएगा, एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ का मतलब एरिया, और हाइट, हाइट इसका कितना है कंडक्टर का, एल, यहाँ एल माने थे ना, इसको पूरा को एल माने थे, तो यानी कि लिख देंगे एल। तो ये वॉल्यूम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ नहीं, एरिया इंटू हाइट ऑफ द कंडक्टर, क्लियर है, लेंथ या हाइट चलेगा दोनों। तो वॉल्यूम की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, एरिया इंटू लेंथ, ये समझाने के लिए था, ये वाला नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये आया मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर टू। अब हमको ये एफ एम सोचना है, तो एफ एम तो पहले से ही मालूम है, ये जो एफ एम का यहाँ वैल्यू लिखा हुआ है, तो वही वाला सीधा सीधे चिपका देना है, ठीक है, यही वाला एफ एम को हम लोग मान लेते हैं, उसी को मान लेते हैं थ्री। अब ये जो टू और थ्री है ये सारे को हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर, तो हमको मैग्नेटिक फोर्स निकल जाएगा, बस दो लाइन और करना है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है, बस फिर ड्राइव हो जाएगी। तो इसको लिख ले भाई, मिटा दे रहे अभी हम, आगे देखना भाई, ये दोनों इक्वेशन को हम डाल रहे हैं, मतलब कि ये टू और थ्री को, है ना, ये जो टू और थ्री है इसको डाल रहे हैं वन में, है ना। तो यहाँ लिखते हैं पुटिंग the values of 2 and 3 in theory, लिख लेना भाई, वही सब भाषण की कंडक्टर कहाँ है कैसे है समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, थ्योरी तो खुद से ही लिख लेगा, इतना तू समझदार हो गया है।
तो अब ये दोनों को हम लोग वहाँ डालते हैं, मतलब ये टू और थ्री को कहाँ डालेंगे, वन में। तो यहाँ से मेरा जो मैग्नेटिक फोर्स निकल के आएगा, मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर बराबर एन का वैल्यू कितना डालेंगे, एन ए एल नल, है ना, एन ए एल नल। उसके बाद ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कितना है, क्यू क्यू वी क्रॉस बी। अब ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी किसका होगा, ऑब्वियसली किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर जो चार्ज है उसको भी हम क्या ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये जो चार्ज है उसको हम क्या ले लिए, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है इस तरफ। तो अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर चार्ज हम मान लिए, यहाँ पर ये जो चार्ज है अगर उसको हम इलेक्ट्रॉन मान लिए, तो ये जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी भी किसका लेंगे, इलेक्ट्रॉन का ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बात कर देंगे। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ की, अब यहाँ पर देखना भाई आराम से, ये फिर जो मेरा मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर है इसको देख भाई हम कैसे लिखेंगे, एन देखा भाई क्या किया अभी हम यहाँ पर, अभी हम यहाँ पर क्या किए कि ये जो L था जो कि लेंथ, लेंथ भी एक वेक्टर था ना, तो लेंथ को अंदर भेज दिए, और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको बाहर निकाल दिए, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बाहर निकाले तो वो स्केलर बन जाएगा, और इस जो जहाँ पर VD था उसकी जगह पे L लिख दिए, इसलिए यहाँ पर L क्रॉस B होता है, ठीक है। अब भाई यहाँ पर एक बात जरूरी समझने वाला था कि बहुत लोग, अब इसमें सवाल आ जाएगा बहुत लोग का कि सर इलेक्ट्रॉन तो जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो तो जिधर फोर्स लग रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो तो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है इस तरफ, ठीक है, तो उसमें आप माइनस क्यों ले लिए। तो माइनस लिए थे हम यहाँ पर, हालांकि हम यहाँ पर माइनस लिए थे, नेगेटिव साइन लिए थे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इसलिए नहीं, इलेक्ट्रॉन करंट के उल्टा दिशा में चलता है, करंट इस तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहा है, तो उसका डायरेक्शन दिखाने के लिए हम यहाँ पर नेगेटिव लिए थे, ऐसा नहीं लिए थे, ऐसा नहीं कि नहीं लिए थे, लेकिन यहाँ पर एक जादू हुआ है। सर क्या जादू है, देख यहाँ पर बता रहे हैं जादू क्या हुआ है कि एल वी डी जो है बराबर किसके होगा, माइनस ऑफ एल वेक्टर वी डी। सर ये क्या है, ये सबसे ज़रूरी बात है, जिसको समझ में आया बहुत बधाई हो। यहाँ पर देखना भाई कि जो लेंथ का डायरेक्शन है वो इस तरफ है, सर लेंथ इस तरफ क्यों है, क्योंकि करंट इस तरफ है, तो जिस तरफ करंट है उस तरफ लेंथ है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो तो इस तरफ है, तो लेंथ इस तरफ, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरफ, तो दोनों उल्टा उल्टा डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस लगा रहे हैं। तो जब हम लोग इसको वेक्टर समझेंगे और फिर जब लेंथ में वेक्टर लगाना चाहेंगे तो यहाँ माइनस का लिखना पड़ेगा, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और देख यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी में वेक्टर लगा है, यहाँ लेंथ में वेक्टर लगा है, तो दोनों तो लेकिन उल्टा उल्टा डायरेक्शन में है, तो दोनों उल्टा उल्टा डायरेक्शन में, इसलिए तो एक एक में माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस साइन ये बता रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और लेंथ दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम यहां पर माइनस लिए थे, बट जैसे ही हम यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह लेंथ वेक्टर ले लिए, वैसे ही यहां पर इस लेंथ वेक्टर के कारण एक और माइनस आया, और वो माइनस इस माइनस को क्या कर दिया, प्लस। समझ में आ गया होगा भाई साहब, यहाँ पर माइनस था ये वाला, ये माइनस कहाँ गया, तो जैसे ही ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम बाहर निकाले, लेंथ को अंदर लेके गए, तो लेंथ अपने साथ माइनस साइन, देखिए यहाँ पर लेंथ वेक्टर लिखा है ना, तो लेंथ अपने साथ माइनस साइन लेके आया, ये माइनस लेके आया, और यहाँ पर ये वाला जो माइनस है वो भी साथ में आया, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस। और हमको जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है वो पॉजिटिव दिख रहा है, क्लियर है। अब इसके आगे हम इस तरफ करते हैं, हमको वो ड्राइव करना है ना, इसके आगे इधर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला प्रॉपर्टी का हम यूज़ किए और तब आगे हम बढ़ रहे हैं फाइनली, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके ये यहाँ तक पहुँचे अभी हम, है ना, और ये वाला यूज़ किए हम इक्वेशन। अब इसके बाद इधर हम करते हैं आगे, तो यहाँ से जब मैग्नेटिक फोर्स हम लोग निकालेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, वी डी ई एन ए, है ना, और ये वी डी ई एन ए का मतलब क्या होता है, करंट, है ना, आई होता है तेरे को भाई, ये भी देखिए यहाँ पे भी प्रॉपर्टी यूज़ लिख देते हैं, प्रॉपर्टी मतलब कि पहले हम लोग जो पढ़े हैं वो वी डी ई एन ए, है ना, करंट का फॉर्मूला होता है ना, आई बराबर वी डी ई एन ए, तो हम लोग ये वी डी ई एन ए की जगह आई लिख दिए इसके जगह पे, और फिर यहाँ पर जो बचा उसको लिख देते हैं ऐसे ही एल क्रॉस बी। तो ये जो फॉर्मूला डराइव करना था वो डराइव हो गया, है ना, मैग्नेटिक फोर्स बराबर एफ मैग्नेटिक बराबर आई एल क्रॉस बी, है ना, यहाँ पर इसके जगह पे आई लिख दिए, बाकी एल क्रॉस बी ऐसे ही कैसे ही, तो ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आ गया, यहीं तक करना है। अब हमको ये समझना है कि ये मैग्नेटिक फोर्स कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है, तो उसका बहुत सिंपल केस है, हम यहाँ पर बता देते हैं जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पर बता देते हैं हम, सबसे पहले बात करते हैं कि कब ये मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा। अच्छा, तेरे को ये मालूम होगा कि ये फॉर्मूला, यही वाला मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला जो ड्राइव हो गया आई एल क्रॉस बी, कुछ नहीं किया यहाँ पर, बस क्या किए हम, इसके प्लेस पर आई डाल दिए, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंस, ये दो स्टेप हम किए हैं यहाँ पर, ठीक है, ये इसके प्लेस पे आई डाल दिए, तो ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया जो लेके आना था, बाकी एल क्रॉस बी तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको मैक्सिमम करना है तो फॉर्मूला इसका है कि एक्चुअली में एल बी साइन थीटा, एल बी साइन थीटा। अब तू इसको एल बी साइन थीटा लिख, चाहे तू आई बी एल साइन थीटा लिख, आई बी एल साइन थीटा लिखो, एल बी साइन थीटा लिखो, कुछ भी लिख ले भाई, उससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तू लिख ले, चाहे तू इसको ऐसे लिख ले भाई, ऐसे लिख ले इसको, एफ मैग्नेटिक बराबर साइन थीटा एल बी,
ठीक है, तो एक ही बात है और यहाँ पर आई लिख ले, उससे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये स्केलर फॉर्म में है, बट इसको वैसे नहीं लिख सकते, इसको हमेशा एल क्रॉस बी ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है और एल और बी के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट को चेंज करने से डायरेक्शन बदल जाता है, तो इसलिए इसमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो मैक्सिमम जब निकालना होगा तो मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या करेंगे, थीटा को ले लेंगे मान लो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री लेने का मतलब है क्योंकि हमको मालूम है कि फॉर्मूला मैग्नेटिक फोर्स का है आई बी एल साइन थीटा, तो अगर थीटा को हम लोग 90 डिग्री ले लेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स कितना आ जाएगा, 90 डिग्री लेने पे साइन 90 कितना हो जाएगा, 1, तो यहाँ से आ जाएगा आई बी एल। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर, क्लियर है ना, यहाँ पर हम लोग थीटा को 90 ले लिया तो साइन 90 1 हो गया तो आई बी एल आ गया। अगर इसी मैग्नेटिक फोर्स को हमको मिनिमम करना रहेगा तो मिनिमम करने के लिए हम लोग थीटा को क्या लेंगे, 0 डिग्री, और हम लोग 180 भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों पे ही 0 होगा, मालूम है ना। अगर हम लोग यहाँ पर थीटा को 180 डाले तो साइन 180 भी 0, थीटा को 0 डिग्री डाले साइन साइन 0 भी 0, तो मतलब मैग्नेटिक फोर्स इस केस में क्या आएगा, फिर से 0 आएगा। ठीक है, दोनों ही सूरत में मैग्नेटिक फोर्स का 0 आना निश्चित है। तो ये दो केस हो गया कि कब मैक्सिमम कब मिनिमम, बस इसमें इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं पूछेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, यानी कि जो कि है ये टॉर्क, टॉर्क है या को टॉर्क नहीं है, दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर जो अगर है तो वो एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आ जा बात करते हैं भाई, इसको लिख ले जल्दी से। तो ये जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ठीक है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ये दो मेरे पास पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लगता है ना, उसका डेरिवेशन। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये दो तरीके से है, पहले हम ना आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड समझा देते हैं कि ये एक्चुअली किस बारे में है, कि मेरे पास यहाँ पर दो करंट कैरिंग वायर्स है और दोनों वायर्स इन्फाइनाइटली लॉन्ग हैं, ये मेरे पास एक वायर है और ये दूसरा वायर, और ये दोनों वायर कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक गया है, ये वायर भी इन्फाइनाइटली लॉन्ग है, ये वाला वायर भी इन्फाइनाइटली लॉन्ग है, ये वाला वायर ऊपर से भी कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक, और ये इसका जो एक और पार्ट है ये भी कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक, मतलब वायर सारी इन्फिनिटी लॉन्ग, और ये दोनों वायर के बीच का जो डिस्टेंस है, ये दोनों वायर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोल रहे हैं आर। व्हाट इज़ आर, डिस्टेंस बिटवीन द वायर, ये दोनों वायर के बीच का दूरी। ठीक है, डिस्टेंस कितना दोनों वायर के बीच का, आर, आर डिस्टेंस ए है दोनों वायर में। ठीक, तो ये दोनों वायर एक दूसरे पे क्या लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो एक काम करते हैं कि इस वाले वायर को हम मान लेते हैं, ये वाला जो वायर है इसको हम मान रहे हैं, इस वाले वायर को फर्स्ट वायर मान लेते हैं इसको, ठीक है, और ये वाले को हम मान रहे हैं सेकंड वायर, और दोनों वायर इन्फाइनेटली लॉन्ग है। तो पहले तो एक बात तेरे को याद होना चाहिए कि भाई अगर इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर की वजह से कितना होता है, तो बताया गया था पिछले क्लास में, है ना, कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, आर दूरी पर अगर निकाल रहे हैं तो इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड आता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो अब यहाँ पर सीन ऐसा है ना कि हमको पता है कि इस वायर में अगर मतलब दोनों वायर में ना करंट्स फ्लो कर रहा है, इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, इसमें I2, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहे कि दोनों में करंट बराबर है, बस बोले कि दो पैरेलल वायर है, पैरेलल मतलब आमने सामने रखा हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल रहे कि दोनों में करंट बराबर है। अगर तो दोनों में अगर करंट अलग अलग है तो मतलब दोनों में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अलग अलग बनेगा, बिल्कुल सही बात है, तो एक का मैग्नेटिक फील्ड V1 तो दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड V2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जो I1 करंट है उससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा V1, और I2 करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, V2। ये तो साफ साफ पता चल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये वाला जो करंट कैरिंग वायर है इस, अब तेरे को मालूम होगा भाई एक बात कि करंट कैरिंग वायर के अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसके अलोंग कभी भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, उसके लोकेशन में कभी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, उसके अगल बगल होता है। तो मतलब ये जो मान ले I1 करंट है उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अगल बगल बन रहा होगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गोल गोल, मतलब इस टाइप का गोल गोल होगा, ऐसे गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ऐसे गोल होते 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 इस वायर तक भी पहुँचेगा, समझ रहा है ना, इस वायर तक पहुंचेगा। ठीक वैसे ही इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे गोल होते 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 इस तक भी पहुंचेगा, मतलब दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहा है, ओवरलैप कर रहा है, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे है, यही रिलेशन है दोनों के बीच में। भाई तू तो एक बात बता, दो लोग के बीच में प्यार कब होता है, जब रिलेशन होता है दोनों के बीच में, कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप होगा ना दोनों के बीच में, दो लोग के बीच में प्यार कब होता है, जब दोनों के बीच में रिलेशन होता है, दोनों के बीच में प्यार ही नहीं होगा तो रिलेशन कहाँ से आएगा। तो वही हम बोल रहे हैं कि जैसे दो लोग का जब भी प्यार हुआ तो या तो कॉलेज में मिलता है, या तो स्कूल में मिलता है, या तो रोड पर मिलता है, या तो भीख मांगते मिलता है, कहीं ना कहीं तो मिलता है ना भाई। तो वैसे ही ये जो दो वायर है ये दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन है, रिलेशन ये है दोनों वायर में कि दोनों वायर इन्फाइनेटली लॉन्ग, ये रिलेशन नहीं, रिलेशन ये है कि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहा है। तो इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए कि इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड यहां बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि
तो हम लोग अब चेक करते हैं कि इस वायर के वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे अंगूठा रखें, हमको देखना है इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे करल 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 कर बाहर आ रहा है, तो यानी कि इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ डॉट। क्लियर है ना भाई? इस वायर में ऐसे हाथ रखें, अंगूठा को रखना है करंट डायरेक्शन में, इसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं राइट हैंड थंब रूल, है ना। यहाँ लिख देते हैं टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड, टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड वी यूज राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, क्या चीज़, डायरेक्शन बताने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बाहर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर वही इस वायर का यहाँ चेक करेंगे तो ऐसे करेंगे तो इसका अंदर जाएगा, ऐसे रखेंगे तो ऐसे, तो ये अंदर, तो ये जो बाहर आ रहा है ये कौन है? सर ये बी वन है, गलत, ये बी टू है, बी वन नहीं, गलत। बोलेगा सर आई वन की वजह से तो आप बता रहे हैं बी वन बन रहा है, अरे बकलोल, आई वन की वजह से बी वन यहाँ बनेगा ना, यहाँ पर भी बनेगा बट यहाँ तक तो जाएगा ना, वही तो रिलेशन है दोनों के बीच में। जैसे ये जो बी वन, ये जो दिखा रहे क्रॉस, ये किसके लिए दिखा रहे? बी वन के लिए। ये आई वन की वजह से यहाँ पर इसे आई वन में रखा हाथ, तो ऐसे घुमा रहा है तो यहाँ पर बन रहा है ना अंदर की तरफ बी वन, बस वही लॉजिक है। ठीक है, कुछ समझना है तो कमेंट करके पूछ सकता है, जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। तो यही दोनों में रिश्ता है कि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहा है। अगर दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ता तो रिश्ता नहीं बनता, तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स कैसे लगाता? दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स जो अभी हम लोग पढ़े आईबीएल साइन थीटा, तो वो फोर्स तभी लगाएगा जब दोनों के बीच में रिश्ता होगा। रिश्ता यही है कि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहा है, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, अच्छा भाई एक जरूरी बात, बहुत खास और खूबसूरत बात है दोनों, अच्छा एक बात बता भाई कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो उसकी वाइफ भी पलट के उसको उतना ही प्यार करती है। हाँ ये चीज़ होता है, जैसे जैसे बोलते हैं ना गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, तो हम तेरे को जितना रिस्पेक्ट देंगे तू भी मेरे को पलट के उतना रिस्पेक्ट देगा। अगर हम यहाँ पर बहुत अच्छे से प्यार से पढ़ाएंगे, बहुत मेहनत से पढ़ाएंगे, तो तू भी पलट के मेरे को उतना ही लाइक सब्सक्राइब शेयर वो सब देगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी है कि जितना ये वायर इस पर फोर्स लगा रहा है उतना ही पलट के ये वायर इस पर फोर्स लगाए, इसको न्यूटन का थर्ड लॉ भी हम लोग बोलते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ। और सही में ये दोनों पर फोर्स बराबर आएगा, भले ही दोनों का करंट अलग अलग है, मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, लेकिन दोनों पर जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो इक्वल आएगा। अभी देखना कैसे। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर पहले देखते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा, है ना। तो हम लोग मैग्नेटिक फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करेंगे राइट हैंड पाम रूल, है ना, दोनों अलग अलग चीज़ है। अब राइट हैंड पाम रूल किसी को जानना है तो जाके पिछले वीडियो में देख सकता है, राइट हैंड पाम रूल। अब राइट हैंड पाम रूल ये बोलता है कि अगर आपको राइट हैंड पाम रूल मैग्नेटिक फोर्स के लिए है, और ये राइट हैंड थंब रूल किसके लिए निकालने के, दोनों अलग अलग रूल है। ठीक है, अभी ये तो मैग्नेटिक फील्ड निकाले, अब हम मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे। अभी जस्ट जो बताए थे हम कि चार उंगली लेना है और मैग्नेटिक फोर्स ये कौन सा वाला होगा, वही वाला आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा। लेकिन ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होता है ना, तो वही निकालने वाले हम। तो यहाँ पर अंगूठा ऐसे रखेंगे, ठीक है, और अंगूठा ऐसे रखने के बाद पहले यहाँ पर क्या बोलता है ये वाला रूल, ये रूल ये बोलता है कि आप अपना उंगली लीजिए और ये चार उंगली लीजिए और ये आपका हाथ है। ठीक है, तो ये हाथ का आपका हथेली हो गया पाम, तो ये पाम जो होता है ये डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फोर्स का। पाम किसका डायरेक्शन बताता है? मैग्नेटिक फोर्स का। पाम का काम है मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताना। ये अंगूठा को रखना है करंट की दिशा में, तो और इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करना है। अलाइन समझता है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में रखना है, अलाइन करना है किसको, ये चार उंगली को, और किसका, ये सारा राइट का है, राइट हैंड का। ठीक है, तो तेरा जो पाम है वो किसका डायरेक्शन बताएगा? मैग्नेटिक फोर्स का। जो पाम है वो किसका डायरेक्शन बताएगा? मैग्नेटिक फोर्स का। तो यहाँ पर देख, चार उंगली तू ऐसे रखेगा, ये यहाँ पर मान ले चेक करना है कि इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसका बाहर आता हुआ है, तो चार उंगली को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर आ रहा है। और ये करंट कहाँ जा रहा है? करंट जो है अंगूठा, यानी कि जो करंट के डायरेक्शन में, तो करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, डॉट का मतलब बाहर होता है, तो बाहर की तरफ है। तो यानी कि ये जो पाम आ रहा है वो ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे मतलब पाम किस तरफ पॉइंट कर रहा है, मेरे तरफ। तो जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आएगा वो ऐसे आएगा, यहाँ पर बना देते हैं हम इसको ब्लैक पेन से। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आएगा वो ऐसे आएगा, ये किसका है? मैग्नेटिक फोर्स का। अब ये जो फोर्स है तू खुद सोच के बता, ये वाला इस पे लगा रहा है या फिर ये इस पे लगा रहा है? ऑब्वियसली ये वाला वायर इस पे लगा रहा है, क्योंकि ये ऐसे फोर्स लगा रहा है, मतलब इस पे लगने वाला है। तो इसको हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं एफ टू वन का मतलब क्या है, फोर्स ऑन टू मतलब सेकंड वायर ड्यू टू, फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। ठीक है,
जो कि कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखना भाई ये वाला इस पर कैसे फोर्स लगा रहा है। तो हम लोग पहले अंगूठा रखेंगे, अंगूठा को रखेंगे करंट डायरेक्शन में इस रूल के हिसाब से, चार उंगली को मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो ये पाम ऐसे आ रहा है, तो मतलब पाम मतलब कि ये जो पाम आया, देख ले तू खुद करके देख भाई, खुद करेगा तो ही होगा। ये अंगूठा ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो ये पाम ऐसे, तो मतलब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ऐसे आएगा, और इसको हम लोग लिखेंगे F12। F12 मतलब फोर्स ऑन वन, जिस पे पहले फोर्स लगता है ना उसको पहले लिखते हैं, तो ये जिस पे लग रहा है फोर्स उसको पहले लिखते हैं। तो फोर्स लग रहा है किस पे, वन पे लग रहा है, तो इसलिए वन को पहले लिखे, और लगा कौन रहा है, टू लगा रहा है, टू को बाद में। तो ये F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन टू, सॉरी फोर्स ऑन वन है ना, वन पे लग रहा है ये फोर्स, वन पे लग रहा है, कौन लगा रहा है वन पे फोर्स, टू लगा रहा है, ये टू जो है वो वन पे ऐसे फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ठीक है फोर्स। तो ये लिखने जरूरी है और ये सारा लिखने जरूरी है, ठीक है समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो अच्छा देख भाई, जरूरी बात ये है कि दोनों फोर्सेस उल्टा डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ऐसे दोनों फोर्सेस, ऐसे दोनों फोर्सेस, और दोनों फोर्सेस का लगने का जो वैल्यू है दोनों फोर्सेस का वो बराबर है, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग उसको कैलकुलेट करके देखते हैं, है ना, आ जा भाई कैलकुलेट करेंगे अब हम लोग ये फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, F बराबर आई बी एल साइन थीटा, ठीक है, वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, F बराबर आई बी एल साइन थीटा, जो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे फॉर्मूला फोर्स निकालने के लिए, मान ले फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू निकालना है, तो जो वन ड्यू टू टू में फोर्स आएगा वही फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन आएगा, ठीक है, दोनों में सेम आएगा फोर्स, ठीक है, दोनों में फोर्स क्या आएगा, सेम आएगा, बराबर आएगा दोनों का फोर्स। तो हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ निकाल लेते हैं F12, मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे हम लोग, आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा। अब हम लोग को अच्छा यहाँ पर ये एल का मतलब है लेंथ ऑफ वायर, ये मान ले कि ये वायर का लेंथ एल है, इस वायर का भी लेंथ क्या है एल, सेम वायर्स का लेंथ होगा ना, क्योंकि दोनों वायर पैरेलल है आपस में, तो लेंथ दोनों का सेम साइन थीटा, ठीक है, मतलब बराबर लेंथ का ले रहे हैं, पैरेलल रखे हैं और बराबर लेंथ का, इसका भी एल यहाँ से यहाँ तक का, भले इन्फिनिटी तक गया लेकिन यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, इसका भी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ एल, ठीक है। अभी भाई अच्छा दोनों वायर का लेंथ को हम L मान ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक बात समझना भाई, कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं फोर्स ऑन वन, वन पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू टू, तो वन पे लग रहा है टू के वजह से, तो फोर्स वन पे निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो करंट लेंगे वो किसका लेंगे, वन का ही लेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो फोर्स हम लोग निकाल रहे हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, मतलब ये जो वन जो है इसमें करंट कितना, आई वन बह रहा है, क्योंकि हम लोग वन का बात कर रहे हैं, वन पे फोर्स लग रहा है तो करंट ऑब्वियसली वन का ही लेंगे। अरे भाई क्योंकि इस पे फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर करंट है, तो करंट इसमें कितना है, इस फर्स्ट वायर में आई वन है। अच्छा इस वाले वायर में मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है, बी टू बन रहा है ना इस पे, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या लेंगे हम लोग, बी टू, और लेंथ तो एल। अब ये थीटा, थीटा का मतलब क्या है, यहाँ पर देखना भाई, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि थीटा इज एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो लेंथ वेक्टर ऐसे होगा, बोलेगा सर ऐसे क्यों होगा, क्योंकि करंट इस तरफ जा रहा है, तेरे को बताया ना बहुत बार, जिस तरफ करंट जाता है उस तरफ लेंथ भी होता है, तो लेंथ ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, देख डॉट है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, लेंथ ऐसे ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर है, तो एंगल 90 बन रहा है। लेंथ देखिए वाला टिप देखना, लेंथ ऐसे ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो एंगल 90 बन रहा है, तो यहाँ पर थीटा कितना लेना पड़ेगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरा F12 आएगा वो आ जाएगा I1 B2। अब भाई एक चीज़ पता होनी चाहिए तेरे को कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना बन रहा है, B2 यहाँ पर लिख देते हैं, है ना, यहाँ पर लिखते हैं, चल सिंस B2 मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिखेंगे, म्यू नॉट I/2πr, आर डिस्टेंस पे बन रहा है ना। अब बोलेगा सर B2 कौन बना रहा है, ये सेकंड वायर बना रहा है, और सेकंड वायर में करंट कितना है, I2, तो करंट I2 है, तो मैग्नेटिक फील्ड B2 ये इतना होगा। अगर कोई तरह से पूछे मैग्नेटिक फील्ड B1 कितना होगा, तो लिखोगे म्यू नॉट I1/2πr, ठीक है। अब R क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि दोनों का दूरी R है, इसलिए अगर B1 से देखना है मैग्नेटिक फील्ड तो R दूरी पे देख, B2 से मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो भी R दूरी पे ही देख। तो यहाँ पर ये जो B2 है इसको हम लोग डालेंगे म्यू नॉट I2/2πr, ये B2 को हम लोग डालें म्यू नॉट I2। अब इसमें ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर आप B2 तो सर यहाँ बन रहा है तो आप करंट I2 लिए। अरे भाई B2 बना कौन रहा है, B2 तो यही बना रहा है ना, ये जो जिसमें I2 करंट है, जिसमें I2 करंट बह रहा है वही B2 बना रहा है, तो ऑब्वियसली जो B2 होगा वो I2 के वजह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर I2 और ये लेंथ L लिख दिए, साइन 90 कितना हो गया 1, तो ये टर्म हट जाएगा, तो यहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आएगा। अब इसी फॉर्मूला को थोड़ा हम लोग सजा के लिख देते हैं, F12 बराबर म्यू नॉट बाई, यहाँ पर नीचे में कितना है 2π, म्यू नॉट बाई 2π I1 I2, है ना, I1 I2 म्यू नॉट बाई 2π I1 I2 अपॉन R, और यहाँ पर L लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। तो ये आया मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है।
अब तू चाहे तो बहुत सारा किताब में ये एल को नीचे भी लिख देता है और बोलता है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ है, लेकिन यहाँ तक करके आएगा तो पूरा मिलेगा और मार्क्स मिलेगा। और तेरे को पता है भाई कि सिमिलरली तो ये भी निकाल सकता है, ये F12 निकला ना, F21 भी सिमिलरली निकलेगा और सेम टू सेम निकलेगा, सेम टू सेम, तू खुद करके देख ले। देख यहाँ पर ये F12 था ना, तो सिमिलरली जब तू सॉल्व करेगा किसके लिए, सिमिलरली तू कर सकता है कि F21 के लिए। तो F21 जब लेगा तो यहाँ पर करंट कितना लेना पड़ेगा, I2। मैग्नेटिक फील्ड कितना लेना पड़ेगा, B1। लेंथ तो L ही रहेगा और साइन 90 हो जाएगा, तो इसको भी सॉल्व करके वही आएगा, यही वाला म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 अपॉन, क्योंकि देख भाई B1 यहाँ डालेगा तो करंट कितना आ जाएगा B1 में, I1। तो घुमा फिरा के यही एक्सप्रेशन सेम आएगा, R और यहाँ L होगा, ठीक है, तो ये F21 आ जाएगा, ठीक है, तो सेम टू सेम आएगा, दोनों का फोर्सेस बराबर आएगा, है ना, दोनों फोर्स बराबर आएगा, वो बात यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी लिखा है देख कि दोनों फोर्सेस बराबर होता है, देख यहाँ पर F12 F21 के बराबर सेम सेम फोर्स आएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना, तो यहाँ पर मिटा रहे अभी इसको हम, ठीक है, तो यहाँ मिटा के अब हम फाइनली इसको वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और दोनों फोर्सेज आपस में इक्वल, ऑब्वियसली 100% आएगा इक्वल, ठीक है, देखते हैं लिख के। दोनों फोर्सेस बराबर है और डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, ठीक है, लिख लिया था ना ये, दोनों फोर्सेस बराबर है, दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि F21 इक्वल्स टू F12, है ना, और ये दोनों फोर्सेस वेक्टोरियली आपस में एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। अब इसमें एक गलती है यार, F21 यानी ये वाला फोर्स F21 ऐसे और F12 ऐसे, लेकिन दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन उल्टा उल्टा है, और यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है, समझ गया ना। तो यही था इस टॉपिक के अंदर, है ना, कि दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर के बीच में कितना फोर्स लगता है। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात है जो हम अभी एक्सप्लेन कर देते हैं तेरे को, ठीक है, ये लिख लेना लास्ट में कॉपी के कि F12 और F21 बराबर है, लेकिन मतलब कितना के बराबर है, यहाँ पर अभी हम लोग निकाले थे ना F12 बराबर F21 बराबर म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग क्या बताएं, F12 वेक्टर बराबर है माइनस ऑफ F21 वेक्टर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन लगा रहे हैं दोनों फोर्सेस का। अब एक ज़रूरी बात हम बता दें यहाँ पर कि ये तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब एक ज़रूरी चीज़ यहाँ पर बता दें हम कि हम ही लोग जो अभी जितना डिस्कशन किए हैं उसमें हम लोग करंट को ऐसे लिए थे I1 और ये करंट ऐसे लिए थे I2, तो उस केस में जो फोर्स आ रहा था वो अट्रैक्टिव आ रहा था। अट्रैक्टिव कहने का मतलब ये फोर्स ऐसे और ये इस पे ऐसे लगा रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था दोनों एक दूसरे को। लेकिन अगर वही हम लोग दूसरा कर दें, यहाँ पर दोनों करंट का डायरेक्शन क्या था, यहाँ पर लिख देते हैं, ये जो पहला केस अभी हम लोग बात किए हैं जिसमें कि करंट का डायरेक्शन सेम था, सेम डायरेक्शन ऑफ आई, करंट डायरेक्शन क्या था दोनों में, सेम था, सेम डायरेक्शन ऑफ आई, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट सेम था। देख भाई इसमें भी करंट ऐसे जा रहा है, इसमें भी करंट ऐसे जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन हुआ। अभी हम लोग दूसरा केस जो हम लोग लेते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन, अब यहाँ पर करंट को हम लोग एंटी पैरेलल ले रहे हैं, एंटी पैरेलल करंट का मतलब दोनों वायर में करंट का डायरेक्शन उल्टा उल्टा होगा। तो जब उल्टा उल्टा करंट का डायरेक्शन होगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी उल्टा उल्टा आएगा, मतलब कि जब हम लोग ऐसे लेंगे वायर ऐसे लेंगे, इसमें करंट ऐसे I1 ऊपर की तरफ और I2 नीचे की तरफ, तब जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा उसका, इसका ऐसे आ जाएगा, उसका वैसे आ जाएगा, मतलब कि ऐसे रिपल्सिव आएगा मैग्नेटिक फोर्स, तू करके देख ले वैसे ही आएगा, ठीक है। तो अगर करंट को उल्टा उल्टा लेगा तो रिपल्सिव आएगा, ठीक है, करके देख सकता है भाई, वही वाला राइट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट राइट हैंड रूल से, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल से करके देख सकता है, तो उल्टा ही आएगा, ठीक है। हम लोग करके देख लेते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग डॉट ले लें मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग क्रॉस ले लें, ठीक है, हालांकि डॉट और क्रॉस नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड पहले। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, करंट यहाँ पर ऐसे नीचे जा रहा है, तो जब हम लोग कर्ल करेंगे इसको फिंगर को, ऐसे करंट नीचे जा रहा है तो यहाँ पर कर्ल करेंगे तो अंदर जाएगा, और इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, ये वाले वायर का, इस वाले करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर आएगा, दोनों का सेम डायरेक्शन में। तो अगर हम लोग चेक करें तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर और अंगूठा ऐसे ऊपर, तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे आ रहा है, देख इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर करंट ऊपर तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फोर्स आया F, ठीक है। और उस वाले वायर में जो करंट है वो नीचे है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो मतलब कि इसको ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है, एक मिनट करके देखते हैं, इसको ऐसे रखना पड़ेगा, ये देख ऐसे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि चार उंगली अंदर मैग्नेटिक फील्ड का, करंट नीचे,
चार उंगली मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, करंट नीचे तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे, तो मतलब दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है। अच्छा ये वाला जो फोर्स है ये मतलब मान लीजिए ये फर्स्ट वायर ये सेकंड वायर, ठीक है, तो ये वाला जो फोर्स ऐसे लग रहा है ये कौन लगा रहा है, ये वाला लगा रहा होगा इस पर, मतलब कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, मतलब ये वन पे फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, टू की वजह से, मतलब ये सेकंड वायर इस वायर को रिपेल कर रहा है, ठीक है। और इसको हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, है ना, मतलब ये फोर्स टू पे लग रहा है किसके वजह से, वन की वजह से, वन उसको बोल रहा है कि भाई उधर जा। तो करंट को इसलिए हम लोग किस डायरेक्शन में लेते हैं, सेम डायरेक्शन में लेते हैं। इस केस में एफ फोर्स ऑन, ये मान लीजिए फर्स्ट वायर ये सेकंड वायर, तो इसमें जो हम लोग डिस्कशन अभी किए फोर्स ऑन, इसको हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑन, ये फोर्स किस पे लगने वाला, टू पे लगने वाला, टू ड्यू टू वन, और ये फोर्स किस पे लगने वाला, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो यहाँ पर देखो दोनों फोर्सेस अट्रैक्टिव आ रहा है, लेकिन इस पर फोर्सेस क्या हो जा रहा है, रिपल्सिव ऐसे हो जा रहा है फोर्सेस में, और इस केस में फोर्स अट्रैक्टिव आ रहा है, तो हम लोग अट्रैक्टिव वाला केस को डिस्कस किए थे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा, अब हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये तो क्लियर हो गया यहाँ तक, ये वाला जो टॉपिक था, अब हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं, है ना। अच्छा वन एम्पियर का एक डेफिनेशन है यहाँ पर छोटा सा, सीबीएसई का सिलेबस में लिखा है डेफिनेशन ऑफ वन एम्पियर। वन एम्पियर का डेफिनेशन है सिंपल है, बहुत है, छोटा सा हम बता देते हैं वन एम्पियर का क्या डेफिनेशन होगा। वन एम्पियर का मतलब सिंपल है यार, कि वन एम्पियर वो करंट है जब क्या मैग्नीट्यूड के बारे जब बात करता है, यहाँ पर सिंपल है यार, जैसे मान ले भाई कि यहाँ पर मेरे पास जो फोर्स का फॉर्मूला आ रहा है सिंपली, है ना, दोनों फोर्सेज बराबर है तो इन दोनों को एफ के बराबर ले सकते हैं क्योंकि दोनों का वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ पर अगर हम लोग उसको ऐसे लिख ले म्यू नॉट बाई फोर पाई, अगर हम लोग आई वन को ले लें वन एम्पियर, है ना, और आई टू को भी ले लें वन एम्पियर, दोनों को बराबर ले लें, ठीक है, और ये जो वायर और ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का आर, इस आर को हम लोग ले लें वन मीटर, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसा कर दें तो यहाँ पर ये वाला टर्म आई वन आई टू वन वन हो जाएगा, ये भी वन हो गया, ये लेंथ लेंथ वायर के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लेंथ ले लेते हैं और यहाँ पर ये सारा वन हो गया। तो अगर हम लोग बोलेंगे कि करंट वन एम्पियर है, तो वन एम्पियर करंट का ये मतलब है कि वो करंट, तो यहाँ पर आगे में ये हम लोग बोले कि करंट को अगर हम लोग दोनों को वन वन एम्पियर ले लें, है ना, हम यहाँ पर क्या किसके बारे में बोल रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ वन एम्पियर यहाँ लिख देते हैं, हम वन एम्पियर को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि वन एम्पियर करंट का क्या मतलब होगा, ठीक है। तो वन एम्पियर करंट का मतलब वही लिख रहे हैं कि फोर्स किसी वायर पे जब लगे, यहाँ पर देख भाई क्या किया ना, फॉर्मूला तो मेरे पास ये था ना, एफ बराबर म्यू नॉट आई वन आई टू एल बाई टू पाई आर, यही फॉर्मूला है ना। तो इस एल को हम ले आए नीचे, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई टू पाई आई वन आई टू अपॉन आर, ठीक है, यही था ना। तो यहाँ पर हम क्या बोले तेरे को कि आई वन आई टू को वन ले ले और आर को भी वन ले ले, तो ये सारा हट जाएगा टर्म। तो हम लोग ये बोलते हैं कि वन एम्पियर इज दैट स्टडी करंट, इज दैट स्टडी करंट विच, स्टडी करंट मतलब कांस्टेंट करंट, जब तू ये सारा वैल्यू को मतलब करंट को वन एम्पियर ले लेगा इसको वन, तो वो मतलब कि उस वो करंट कब फ्लो करेगा वन एम्पियर, वही बता रहा है। वन एम्पियर इज दैट स्टडी करंट विच फ्लोज इन द टू, ये दो वायर है ना, इन द टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर्स वेन फोर्स बिटवीन देम, तो उनके बीच में फोर्स क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, देख इसका मतलब है फोर्स पर यूनिट लेंथ, इस एफ का मतलब फोर्स है लेकिन लेंथ तू नीचे आया तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया ना। हाँ, व्हेन फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द वायर्स इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई टू पाई, म्यू नॉट बाई टू पाई आ रहा है ना, म्यू नॉट बाई टू पाई के बराबर है ना, वो दोनों पे फोर्स जो लगने वाला है, ठीक है। अब इसको इस फोर्स का तू फॉर्मूला अगर इस फोर्स को ना हम लोग ऐसे स्मॉल एफ से भी लिखते हैं, तो इस फोर्स को तू चाहे तो इसका यूनिट क्या बोलेगा, इस फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन पर लेंथ, क्योंकि देख न्यूटन पर मीटर है ना, इसका यूनिट क्या बोलेगा तू, न्यूटन पर मीटर, ये यूनिट हो गया इसका, क्योंकि इस फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, व्हेन फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इसी फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम लोग बोलेंगे न्यूटन पर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर, क्लियर है ना। तो ये वन एम्पियर का छोटा सा डेफिनेशन हो गया, है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, चलो। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है,
कि करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. तो यहाँ लिखा है करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल. हम लोग ये पहले बहुत पहले पढ़ चुके हैं, हालांकि ये वाला डेरिवेशन सीबीएसई में नहीं है, लेकिन ये वाला टॉपिक जरूर है कि करंट लूप को हम लोग कैसे, जैसे हम लोग पहले पढ़े थे ना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी से जिसको डिनोट करते थे. याद कर भाई, ये वाला याद आएगा तेरे को. जैसे मेरे पास यहाँ पर क्या होता था कि एक नेगेटिव चार्ज होता था, एक पॉजिटिव चार्ज होता था, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा और पास कर लेते, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में कुछ दूरी होता था. और इसका यहाँ पर से अगर हम जाते थे कुछ दूरी पे, मान ले कुछ दूरी x पे, तो इसका हम लोग निकालते थे एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे आता था के पी बाई एक्स क्यूब, है ना, टू के पी बाई एक्स क्यूब आता था, टू के पी बाई एक्स क्यूब ये आता था, ठीक है, टू के पी बाई एक्स क्यूब. तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का भी पढ़ते हैं, हालांकि इसका डेरिवेशन नहीं आएगा, ये वाला जो फॉर्मूला भी हम लिखने वाले हैं इस फॉर्मूला का डेरिवेशन के बारे नहीं बोला है, ये था तेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल. वैसे ही हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो मैग्नेटिक डाइपोल, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि कोई भी करंट कैरिंग लूप होता है. अच्छा, इस ये लूप समझना भाई, ये लूप किस टाइप का है, ये इस टाइप का कुछ है, मतलब यहाँ पर मेरे पास ये इस टाइप का लूप है ना, मतलब कि ये एक सर्कुलर लूप है ऐसे इस टाइप से, और यहाँ पर ऐसे का हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब कि इस टाइप का डायग्राम बनाएंगे. मतलब ये मत सोचना कि ऐसे तेरे सामने में है ये सर्कुलर लूप, ये इस टाइप से लूप, इस टाइप से ऐसे, और यहाँ पर हम लोग निकालना, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं. ये लूप इस टाइप से बना हुआ है, ये जो इसका इधर वाला पार्ट है ना सर्कुलर लूप जिसमें करंट फ्लो करेगा, ये फुलझड़ी देख रहा है उस फुलझड़ी में करंट फ्लो करेगा, ठीक है, तो ये इस टाइप का सर्कुलर लूप होगा. तो उसके वजह से हम लोग मैग्नेटिक डायपोल देखेंगे. तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट का मिलाएंगे, उसी टाइप का फिगर यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, और इस पॉइंट पर हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड. जैसे यहाँ पर इस दोनों चार्ज के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, वैसे ही ये जो करंट कैरिंग लूप है इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे. और ये करंट इसमें कैसे जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, करंट का डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिख रहा है ना उधर, हाँ दिख तो रहा है, करंट का डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. थोड़ा सा इस लूप को हम उस तरफ बना देते ताकि और क्लियरली दिखे, ठीक है. तो करंट का डायरेक्शन हेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, करंट का डायरेक्शन इसमें बहुत ज़रूरी है. तो चलिए यहाँ पर बना देते हैं लूप, ठीक है, ये लूप है, ठीक है, इस लूप से हम यहाँ पर गए, है ना, मान ले कि ये लूप का रेडियस है आर, और इससे हम x दूरी पे जा रहे हैं यहाँ पर, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं, ठीक है. तो इसको मिलाएंगे ऐसे करके, हम लोग इस वाले को ऐसे मिलाएंगे और इस वाले को ऐसे मिलाएंगे, ठीक है. तो यहाँ पर मान ले करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज जैसे लेना ले, करंट से कोई मतलब नहीं. तो इसमें करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसका ये डिस्टेंस कितना है x, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एक्सिस पे इतना आता है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आता है म्यू नॉट आई, करंट आई है इसमें, और इसका रेडियस है म्यू नॉट आई एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है, म्यू नॉट आई एक्स स्क्वायर. एक्स यहाँ पर क्या है, ये दूरी एक्सिस से, अगर इस पॉइंट को, ये वाला जो एक्स दूरी है, अगर इसको यहाँ पर ले आए, यहाँ पर आर स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग अगर ये आर को, मतलब ये एक्स को अगर हम लोग ज़ीरो कर देंगे तो इसको यहाँ पर ज़ीरो डालेंगे, फिर यहाँ पर देखना कि अगर इसको हम लोग ज़ीरो कर देंगे तो आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का पावर 3/2 आएगा, ये 2 कट जाएगा. तो मैग्नेटिक फील्ड फिर जो ये वाला होता है सर्कल का जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा यहाँ पर ना एक टू भी होता है, टू छूट गया है, ठीक है, यहाँ पर एक ऐसा टू भी होता है, ठीक है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2R आ जाएगा, ठीक है, आई आर स्क्वायर अपॉन 2R. तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है. हम यहाँ पर इसको कैसे वेरीफाई कर रहे हैं कि जैसे ये एक सर्कुलर लूप ही है ना, तो अगर इस पॉइंट को यहाँ पर ले आएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड वापस सर्कुलर लूप का आ जाएगा. तो इस वाले करंट लूप के वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है. अब ये क्यों होता है, एनसीईआरटी में इसका डेरिवेशन दिया है, अगर आपको डिटेल इसका लेक्चर देखना तो हम बनाए हुए हैं, लेकिन ये सीबीएसई के लिए ये जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि है ही नहीं सिलेबस में लिखा हुआ. तो ये मैग्नेटिक फील्ड है. अब हम लोग अगर देखें तो हमको इसको इससे कंपेयर करना है. यहाँ पर जैसे क्या है कि यहाँ पर एक के जो होता है, इस के को हम लोग ऐसे लिखते हैं ई बराबर, यहाँ पर अगर 2 को हम लोग सामने कर दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई 2 kp/r³, मतलब होगा ये 2 kp/ एक्स क्यूब होगा, ठीक है, एक्स क्यूब. जैसे कैसे इसमें एक्स दूरी होता था वैसे ही इसमें भी एक्स दूरी है, ठीक है, और यहाँ पर 2 kp/, यहाँ पर k का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये k के जगह पे लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 2 यहाँ लिख दिए, p यहाँ लिख दिए, और बाकी एक्स क्यूब यहाँ पर, ठीक है.
तो अभी हमको साफ साफ दिख रहा होगा कि जैसे यहाँ पर कांस्टेंट होता है। अच्छा, हमको एक बात मालूम होगा कि मैग्नेटिक फील्ड में जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग म्यू नॉट बाई 4 पाई बोलते हैं, है ना। लेकिन यहाँ म्यू नॉट तो दिख रहा है लेकिन 4 पाई नहीं है, यहाँ पर 4 पाई नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे में भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई से। अब ये वाला चीज़ ना हम हटा दे रहे हैं। सर ये वाला क्यों हटाना है? ये वाला हम इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो मेरा ये है एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है, एक्स का वैल्यू यानी कि, वो बहुत बड़ा है ना। तो एक्स बहुत बड़ा है तो आर को इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आर को अगर हम लोग इग्नोर करेंगे तो उसका वैल्यू ज़ीरो लेंगे। तो अगर आर को हम लोग ज़ीरो ले लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ नहीं है कि यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का बाई 3/2, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एक्स 3/2 है ना। मतलब यहाँ पर हम लोग ये आर को इग्नोर क्यों किए, क्योंकि आर का वैल्यू जो है, आर का वैल्यू जो है वो बहुत छोटा है। क्योंकि देखो ये आर इतना बड़ा सा है और ये एक्स तो बहुत बड़ा है, तो इसलिए एक्स को बड़ा मान रहे हैं, आर को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो आर को इग्नोर करेंगे तो मेरे पास यही बचेगा एक्सप्रेशन, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। आर को जीरो ले लिया हम लोग क्योंकि आर बहुत छोटा था। अब ऊपर में आर को जीरो नहीं लेना है क्योंकि हम लोग यहाँ पर कंपेरिजन से उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आर को जीरो ले लेंगे तब तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो हो जाएगा, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आर जीरो है, आर बहुत छोटा है एक्स से, इसलिए उसको साथ में नहीं, उसको इग्नोर कर देते हैं। मतलब देखो भाई समझना ये क्यों इग्नोर हो रहा है, उसका मतलब बता दे। देखना यहाँ पर ये वाला जो टर्म है इसमें एक्स तो बहुत बड़ा है, दिख रहा होगा साफ साफ। तो अगर आर का वैल्यू मान ले 1 है, आर का वैल्यू 1 मीटर है और एक्स का वैल्यू है 100 मीटर। तो अगर हम यहाँ पर आर में एक्स को जोड़ते हैं, आर स्क्वायर है हालांकि, कोई बात नहीं, आर स्क्वायर भी लेके चल सकता है। तो आर स्क्वायर का स्क्वायर भी कितना आएगा, अगर उसका स्क्वायर भी करें तो भी बनाएगा। एक्स का स्क्वायर यानी इस 100 का स्क्वायर तो बहुत बड़ा आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये 100 का स्क्वायर में हम ये जो आर का वैल्यू 1 है उसको अगर ऐड भी कर दे तो क्या कोई असर पड़ेगा? जैसे ये आर का वैल्यू 1 है और ये एक्स का वैल्यू मान ले 100 है, तो अगर इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 101। तो 101 में से अगर हम 1 हटा भी दे तो कोई असर नहीं ना पड़ेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये 101 जो 100 जो है उसमें 1 जोड़ने से कोई फ़ायदा तो कोई असर तो नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम आर को इग्नोर कर रहे हैं। ये मत सोचना कि आर को हम 0 ले रहे हैं। आर को अगर 0 बोल देंगे, हो सकता है हम 2 मिनट पहले बोल भी दिए होंगे ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। आर को अगर 0 ले लेंगे तो ये रिंग ही ऐसे ठप हो जाएगा। तो आर को हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर जीरो नहीं ले रहे हैं, आर को वी आर नेगलेक्टिंग आर, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। अच्छा देखिए, यहाँ पर हम लोग 2 पाई से ऊपर में मल्टीप्लाई किया और 2 पाई से नीचे डिवाइड किया, फिर 2 पाई कट के वही आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा अजम्पशन हम लोग यहाँ पर, अजम्पशन नहीं है भी, वो चीज़ दिख भी रहा है, होता भी है। तो जैसे यहाँ पर भी हम लोग एक अजम्पशन से ही ये वाला फॉर्मूला लेके आते थे ना, अगर तेरे को याद होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये आई हो गया, फिर यहाँ पर ये 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से 4 पाई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर ये आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर है ना। और ये वाला जो 2 है, इस 2 को एक काम करते हैं कि ये म्यू नॉट बाई 4 पाई तो यहीं रहेगा और ये 2 को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और ये एक्स का पावर क्यूब हो गया ना यहाँ पर, तो पूरा वैसे ही फॉर्मूला आ जा रहा है यहाँ से। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कम्स आउट टू बी म्यू नॉट बाई 4 पाई को हम लोग कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 2 है, ये 2 को हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं 2। और यहाँ पर ये करंट आई पाई आर स्क्वायर अपॉन नीचे में क्या है, एक्स का पावर 3। ये हम इसके जगह पे क्या लिख लिए हैं, इसके जगह पे हम लिख लिए हैं के, यानी कि कांस्टेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पर करंट आई है, ये करंट आई, ठीक है। अब यहाँ पर देखना भाई ठीक से, जैसे यहाँ पर ये के होता है तो यहाँ पर भी के लिखा है, यहाँ पर 2 होता है तो यहाँ पर भी 2 लिखा है, यहाँ पर ये वाला टर्म एक एक्स्ट्रा दिख रहा है ये वाला, बाकी सब तो सेम हो गया। यहाँ नीचे में एक्स क्यूब, यहाँ भी नीचे में एक्स क्यूब, यहाँ के तो यहाँ भी के, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, सब सेम है। बस ये वाला एक टर्म एक्स्ट्रा दिख रहा है। जैसे यहाँ पर ये पी का मतलब क्या होता है, ये पी का मतलब यहाँ लिखा हुआ भी ऊपर में, पी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। वैसे ही ये जो तेरा आई पा, इसका मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो यानी इस फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं 2kpm/x³। और ये m का मतलब क्या होगा, आई आर स्क्वायर, है ना। तो हमको एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला मिल गया, है ना, हमको एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्म। देयर फोर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू आई पाई आर स्क्वायर। और ये पाई आर स्क्वायर मतलब इस सर्कल का एरिया, ये सर्कल ही है, ठीक है। तो इस सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ए स्क्वायर लिख लेते हैं, सॉरी ए लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक डायपोल का फॉर्मूला मिल गया। मतलब हम ये जो आई पाई आर स्क्वायर था उसकी जगह एम लिख दिए, क्योंकि जैसे यहाँ पर पी लिखा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वैसे ही यहाँ पर हम लिख लिए इसके जगह पे एम, यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और ये करंट और ये, तो यहाँ पर हमको ये एम का फॉर्मूला क्या मिला, आई ए। ए का मतलब यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ लूप। तो यहाँ पर ये जो करंट लूप है, यहाँ पर क्या हेडिंग लिखा था, करंट लूप एज मैग्नेटिक डायपोल। तो यहाँ पर देख मैग्नेटिक डायपोल आ गया, ठीक है।
तो इसमें दो पोल भी होना चाहिए, डाईपोल। दो पोल का मतलब नॉर्थ एंड साउथ भी होना चाहिए, नॉर्थ एंड साउथ पोल होना चाहिए। तो अभी हम समझाएंगे कि इस वाले लूप में कहाँ पर नॉर्थ पोल है, कहाँ पर साउथ पोल है, उसको निकालने के लिए एक रूल है। और ये जो मैग्नेटिक डाईपोल है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर लिखा है मैग्नेटिक डाईपोल मोमेंट, तो इसको अभी हम करके बताएंगे, ठीक है। तो अभी चलो हम लोग करते हैं इसको, है ना। इसको लिख ले भाई, ये कंपेरिजन हुआ, वहाँ से फॉर्मूला निकाल लिए, ठीक है। तो अभी आगे हम लोग बात करेंगे वही मैग्नेटिक डाईपोल मोमेंट जो है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग लिखेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और किसका सारा ये बात कर रहे हैं, करंट लूप का, है ना, क्योंकि सिलेबस में साफ साफ लिखा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, लेकिन सिर्फ किसका, करंट लूप का। तो सारा बात हम लोग करंट लूप के बारे में बात करेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को एम वेक्टर बोलते हैं। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब ये एम का वैल्यू जीरो का मतलब क्या होता है, पहले ये समझना। एम जीरो का मतलब ये है कि इसका फॉर्मूला आई ए होता है, तो पक्का करंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो करंट कहीं पर जीरो होगा तभी एम जीरो होगा, मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक। अब यहाँ पर ये किसके बारे में बात करना है, हमेशा अभी का किसके बारे में सिर्फ बात करना है, लूप के बारे, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है पहले तो। अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। ये जो मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ये कैसा क्वांटिटी है, पहली बात तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। और इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा होता है, यहाँ पर याद रखना, हमेशा याद रखना भाई, ठीक है, अलोंग एरिया वेक्टर, अलोंग एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर तेरे को चैप्टर वन में पढ़ाया गया होगा, ठीक है। एरिया वेक्टर के अलोंग होता है हमेशा इसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। इसका एसआई यूनिट भी होता है, बहुत आसान है एसआई यूनिट निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, करंट इंटू एरिया, ठीक है। तो करंट का हुआ एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, इसका एसआई यूनिट हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इसका एसआई यूनिट हो गया। उसके बाद फिर इसका डायरेक्शन किधर होता है, तो यहाँ पर हम लिख दें एरिया वेक्टर के अलोंग होता है, या फिर ऐसा बोल ले कि टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ होगा, टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, है ना, टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल की तरफ होगा हमेशा, ठीक है। अच्छा, और बहुत कुछ है लेकिन अभी हम लोग पहले निकालते हैं कि वो जो डाइपोल था मैग्नेटिक डाइपोल उसमें कैसा होगा। तो पहला हम लोग यहाँ पर डाइपोल ले रहे हैं, ठीक है, इसमें मतलब पहला करंट लूप ले रहे हैं। करंट लूप जो है वो ऐसा होता है, ठीक है, और इसमें मान ले कि करंट का डायरेक्शन फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे है ना, करंट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, देख ले ऐसे जा रहा है, मतलब करंट ऐसे ऐसे ही फ्लो रहा है ना, ऐसे कर निकल के ऐसे करके, ये लूप इस टाइप का है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर होगा। तो हम लोग यहाँ पर अंगूठा ऐसे रखेंगे और चार उंगली वहाँ कर्ल करेंगे जिधर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पर हम लिख देते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने का रूल क्या है। तो रूल है इसमें वही राइट हैंड थंब रूल, है ना, राइट हैंड थंब रूल, इसमें भी वही यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल। और इसमें राइट हैंड थंब रूल ये कहता है, राइट हैंड थंब रूल ये कहता है, थंब होगा यहाँ पर THUMB, राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि आप अपना अंगूठा लीजिए और चार उंगली को वहाँ कर्ल कीजिए जहाँ पर आपको मैग्नेटिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मतलब मतलब आपको राइट हैंड लेना है पहले, और राइट हैंड का जो चार उंगली है उसको कर्ल करना है करंट के डायरेक्शन में। यहाँ उल्टा है रूल ना, करंट के डायरेक्शन में चार उंगली को कर्ल करना है, तब जो तेरा अंगूठा होगा वो किसका डायरेक्शन बताएगा, एम का, और ये राइट हैंड के साथ करना है, ठीक है। तो चार उंगली को पहले करंट डायरेक्शन में, करंट ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है करंट, तो चार उंगली ऐसे रखेंगे, तो मतलब क्योंकि लूप ये ऐसे इस टाइप से एक प्लेन के उस तरफ है लूप, तो ऐसे जब रखेंगे तो ये अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो मतलब इस केस में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो इस तरफ आएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो किधर आएगा, क्योंकि अंगूठा ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आएगा, अंगूठा ऐसे कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। अगर यहाँ पर भी देख लें तो यहाँ पर अगर ऐसे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो रहा है, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से होगा। इस जगह पे अगर हम लोग देखें इस लूप की वजह से तो ऐसे हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे अंगूठा रख के ऐसे कर्ल तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे हो रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पर ये फर्स्ट लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रहा है, मतलब कुछ इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हुआ, ठीक है, ऐसे निकलता हुआ दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो तेरे को मालूम है कि जिस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है उस तरफ नॉर्थ पोल डेवलप होता है, और अब यहाँ पर से तो एंटर करेगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं एंटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे यहाँ पर अंगूठा रखें हम लोग, ऐसे अंगूठा रखें, ऐसे कर्ल कर रहे हैं, कर्ल करने का मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा, बना के देखते हैं आराम से, ठीक है। यहाँ पर तो ऐसे कर्ल करने से ऐसे आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड निकलता हुआ, तो यहाँ पर घुसता हुआ होगा साउथ पोल, है ना। अब वहाँ वो कैसे इमेजिन होगा वो हम बता देते हैं एक बार ज़रा, ठीक है, ये वाले से समझते हैं हम लोग। आइए, तो ये ऐसे इस टाइप का कुछ लूप है, ठीक है,
तो जब हम लोग ऐसे रखेंगे, क्योंकि करंट जब ऐसे जा रहा है, ये वाला करंट नीचे होकर जा रहा है, तो करंट अगर नीचे जा रहा है तो मतलब हम लोग को अंगूठा ऐसे रखना पड़ेगा और कर्ल करना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हम यहाँ पर क्लियर कट समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे क्या होगा, एंटर करता हुआ बार मैग्नेट में जैसा होता है। बार मैग्नेट में क्या होता है, ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकल के साउथ की तरफ आता है। तो वैसे ही ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है, इसमें एक तरफ नॉर्थ आएगा, इस तरफ साउथ आएगा। क्लियर है, क्लियर है ना, समझ में आया ना, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से घुसता हुआ कैसे आ रहा है। थोड़ा ये वाला पहले समझ लेना भाई, यहाँ पर अंगूठा ऐसे कर रहा है क्योंकि ये लूप ऐसे है, तो इस जगह पे जब अंगूठा ऐसे करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे जा रहा है तो ऐसे घूम के यहाँ पर वापस आएगा, ठीक है। और बाकी उस वाले फेस से अगर हम लोग देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ पर ऐसे उधर वाले फेस से, यहाँ पर भी देख ले, यहाँ पर से भी देख ले, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग ऐसे करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे मतलब इस तरफ से आएगा, क्लियर है ना, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। अब मान ले कोई इसको पलट दे, पलटने का मतलब कोई सेकंड केस ले ले, सेकंड केस का मतलब ये है कि इसी लूप को अगर हम लोग ऐसे कर ले, इसी लूप में हम लोग करंट अगर ऐसे ले ले, इस तरीके से ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है करंट, तो अगर हम लोग ऐसे ले ले लूप को, ठीक है, तो यानी कि ऐसे जब करेंगे तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएगा, मतलब कि ऐसे करने पर इस तरफ होगा, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अब इस केस में ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर होगा, अंगूठा ऐसे रखते हैं हम लोग, कर्ल करते हैं चार उंगली को करंट डायरेक्शन में, तो ऐसे कर्ल करेंगे चार उंगली को, करंट इस बार ऐसे है, तो देखा अंगूठा ऐसे जा रहा है। अगर हम लोग को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है तो करंट इस बार ऐसे जा रहा है ना, क्योंकि ऐसे है करंट, तो ऐसे जा रहा है तो इस बार ऐसे आ रहा है, तो इस बार ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। तो इस तरफ ऑब्वियसली नॉर्थ पोल आएगा और यहाँ से ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकला है यहाँ घुसते हुए दिखेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कौन सा पोल हो जाएगा, साउथ पोल, क्लियर है। तो ये छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और छोटा सा होता है, जैसे मान ले कि लूप अगर ऐसे रहे और उसमें करंट ऐसे जाता रहे, मान ले करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग को अंगूठा रखना है, कर्ल करना है कि करंट डायरेक्शन, मतलब यहाँ पर नहीं, सॉरी करंट यहाँ नहीं है, करंट यहाँ पर ऐसे दौड़ रहा है, ये करंट है, तो चार उंगली को करंट डायरेक्शन हम लोग कर्ल करेंगे तो ये अंगूठा ऊपर जाएगा, क्योंकि देखती है ऐसे लूप है, चार उंगली ऐसे कर्ल करेंगे तो अंगूठा ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऊपर होगा, यानी कि ऊपर में यहाँ पर कौन सा पोल दिखेगा, यहाँ पर ऊपर में नॉर्थ पोल, और नीचे से कोई देखेगा तो उसको क्या दिखेगा, साउथ पोल, क्लियर है। तो ये कहानी हुआ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, इसको बना लेना भाई, ठीक है, बाकी सारा हम बता दिए। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है सिंपल है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो हमको किसके बारे में जानकारी देता है कि नॉर्थ पोल किधर होगा, साउथ पोल किधर होगा। यहाँ पर हम लिख दिए कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ होता है और वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका डायरेक्शन एरिया वेक्टर के अलॉन्ग होता है। अब एरिया वेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे एरिया वेक्टर का मतलब ये है कि जैसे ये वाला मोबाइल फोन है, तो इस मोबाइल फोन से एरिया वेक्टर कैसे आएगा, ऐसे बाहर की तरफ, तो वैसे ही जो मैग्नेटिक, जैसे इस वाले लूप में मैग्नेटिक ऐसे है तो एरिया वेक्टर भी तो ऐसे ही होगा, इस लूप का ये लूप इस टाइप से ना, तो एरिया वेक्टर भी ऐसे ही, एरिया वेक्टर यहाँ पर ऐसे ही होगा ना। तो क्योंकि क्यों ऐसा बोल रहे हैं एरिया वेक्टर, क्योंकि उसका फॉर्मूला देखो भाई, फॉर्मूला क्या है इसका, एम बराबर आई ए, तो यहाँ करंट तो स्केलर है और वेक्टर खाली इसी में लगेगा, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, इन दोनों भाई का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, क्लियर है, ठीक है, बना ले इसको जल्दी से। तो ये एक पार्ट हो गया जिसमें हम लोग एक्सप्लेन किए हैं इसका डायरेक्शन निकालते कैसे हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम समझा दिए कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, ये रूल हुआ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को बताने का, दिस इज़ द रूल टू डिटरमाइन इट, ठीक है, ये रूल हो गया उसका, ठीक है। और बाकी यहाँ पर हम समझा दिए कि निकलता कैसे है ना, ये जो हम दिखाए हैं इसमें दिक्कत नहीं ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो कि ऐसे हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट किया, इधर नॉर्थ पोल मतलब इस तरफ से लूप का नॉर्थ पोल, इसके पीछे तरफ से साउथ पोल, ठीक है, बना ले इसको जल्दी से। नेक्स्ट जो गाइस हम लोग को पढ़ना है वो है टॉर्क ऑन अ करंट लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हम लोग का ये वाला फॉर्मूला आएगा टॉर्क का, टॉ बराबर निब्बा साइन थीटा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आएगा और इसको हम बहुत आसान तरीके से आपको ड्राइव करके बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये डेरिवेशन बहुत लोगों को कठिन लगता है, लेकिन हम इसको एकदम आसान वे में, इजी वे में एक्सप्लेन करेंगे, एक बार में समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर सिंपल है कि मेरे पास यहाँ पर एक पहले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड जो हम बनाएंगे एक बार मैग्नेट की हेल्प से बनाएंगे। अब ये बार मैग्नेट, सॉरी हॉर्सशू मैग्नेट, ये जो इस टाइप का मैग्नेट होता है ना, हॉर्सशू मैग्नेट, ये इस टाइप का जो मैग्नेट है उसी के हेल्प से बनाएंगे, ठीक है, ये इस टाइप का हॉर्सशू मैग्नेट होगा, है ना, ठीक है, तो ये जो मैग्नेट होगा बार मैग्नेट, आप जानते भी होंगे, ऐसे मैग्नेट देखे भी होंगे, ठीक है, ये इस टाइप का मैग्नेट रहेगा हॉर्सशू मैग्नेट, और यहाँ पर नॉर्थ पोल होता है इस मैग्नेट का और यहाँ पर होता है साउथ पोल, और आपको मालूम है कि हॉर्सशू मैग्नेट जो होता है थोड़ा अजीब बन गया मैग्नेट, कोई बात नहीं आप समझ जाइएगा, इसको मिटाते हैं। हॉर्सशू मैग्नेट जो होता है ना, यहाँ पर
बना के थोड़ा दिखाते हैं, थोड़ा इजी वे में। ये देखिए इस टाइप का रहेगा मैग्नेट, है ना, और ये मैग्नेट का क्या कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट का साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। नॉर्थ से निकलेगा कहाँ जाएगा, साउथ में जाएगा। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे, एक करंट लूप रख देंगे। तो आप पहले समझिएगा कि यहाँ पर ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना रहता है, यहाँ पर हम इसको ऐसे सिंपल वे में इस टाइप से बनाएंगे, तो उसमें कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है कि ये नॉर्थ पोल ऐसे। अब ये स्ट्रेट भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ पर इसको सीधा भी बना सकते हैं, हल्का कर्व भी रहेगा तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये ऐसे है ना, और ये कुछ इस टाइप से हम लोग दो पोल्स ले रहे हैं मैग्नेट का, नॉर्थ और साउथ। अब ये दो अलग अलग मैग्नेट का पोल नहीं है, यही वाला मैग्नेट है, ये वाला मैग्नेट हॉर्सशू मैग्नेट का, नॉर्थ इधर साउथ इधर, उसके बीच में लूप। ठीक है, तो यहाँ पर वही हम करने वाले हैं, है ना, लूप रखने वाले हैं यहाँ पर बीच में, दोनों के बीच में लूप रख देंगे, और उस लूप पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, एन आई ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो निकालेंगे वो कहाँ से कहाँ निकालेंगे, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हुआ, और इसके ऊपर हम क्या रखेंगे, करंट लूप, है ना। तो इस तरीके से एक करंट लूप रखेंगे हम लोग, रेक्टेंगुलर रहेगा, रेक्टेंगुलर करंट लूप, ये रेक्टेंगुलर लूप है। ठीक है, रेक्टेंगुलर स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगुलर लूप रहेगा, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगुलर, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर लूप। ठीक है, और ये जो दिखाए हम ब्लू ब्लू, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, नॉर्थ से साउथ की तरफ निकलता है, आपको मालूम है आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ जाता है। यहाँ पर इसको नाम हम लोग लिख लेते हैं पी क्यू आर एस, है ना, पी क्यू आर एस इज़ अ रेक्टेंगुलर लूप, है ना। इसका ये वाला जो है इसको हम ले रहे हैं ए, इसका जो लंबाई है थोड़ा रेक्टेंगुलर ये नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा इसको चलिए रेक्टेंगल बनाते हैं, और थोड़ा रेक्टेंगुलर दिखना चाहिए, रेक्टेंगुलर दिखना इसका बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर दिख रहा है, ठीक है, अभी स्क्वायर नहीं दिख रहा अभी। तो इस रेक्टेंगुलर लूप का हम लोग नाम रखे हैं पी क्यू आर एस, ठीक है, और ये किस में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में। अब इसका ये जो ये लंबाई है यानी कि लेंथ, उसको हम ले ले रहे हैं ए। ठीक है, इसका लेंथ क्या ले लिया हम रेक्टेंगुलर लूप का, ए, और इस रेक्टेंगुलर लूप का ये जो ब्रेथ है उसको हम ले रहे हैं बी, ये इसका ब्रेथ है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि आप लिख लीजिएगा वो थ्योरी में वो सब लिख लीजिएगा, एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसका लेंथ लेंथ ए लेंथ उसका ए है, उसका ब्रेथ बी है, ये सब लिख लीजिएगा। अब हमको क्या करना है ना कि इस पर टॉर्क निकालना है, कि इस पर टॉर्क कितना एक्सपीरियंस होगा। अब सबसे पहले एक बात सोच के बताना भाई, कि जैसे मान ले कि भाई मेरे पास ये वाला रेक्टेंगुलर लूप है, ये वही वाला रेक्टेंगुलर लूप है जो कि हम यहाँ पर बनाए हैं, ये मान ले भाई रेक्टेंगुलर लूप है। ठीक है, अगर ये रेक्टेंगुलर लूप इस टाइप से है, अगर इसको हमको रोटेट करना है, तो अगर एक आदमी इधर से खींचे, एक आदमी इधर से खींचे, तब ये नहीं घूमेगा, दो आदमी मिलकर ऐसे ऊपर से खींचे तब ये नहीं घूमेगा। मॉल में एक नहीं लगा रहता है दरवाज़ा जिसमें एक आदमी इधर से गेट खोलता है, मतलब एक आदमी ऐसे एंटर करता है दूसरा आदमी ऐसे, तो मॉल वाला दरवाज़ा ऐसे घूम जाता है, इसके अबाउट यहाँ पर फिक्स किया रहता है। तो वही हम बोल रहे हैं कि अगर कोई आदमी इसको ऐसे से खींचेगा तब ये नहीं घूमेगा, ऐसे से खींचेगा तब भी नहीं घूमेगा, जब इसको ऐसे करेगा ना, एक पीछे खींचेगा एक आगे खींचेगा, तब ये ऐसे घूमने लगेगा। मतलब एक हम पैसे पीछे खींचे एक आगे खींचे तब जाके ये घूमेगा, और ये जो घूमने वाला सिनारियो है ना, इसी को हम बोल रहे हैं टॉर्क, और वो टॉर्क कितना आएगा, एन आई ए बी साइन थीटा। तो मेरा जो फोर्स आना चाहिए इस पर ऐसे आना चाहिए, एक ऐसे बाहर की तरफ और एक फोर्स ऐसे अंदर की तरफ, तब ये ऐसे करके घूम जाएगा। क्लियर है ना, अगर फोर्सेस ऐसे हुआ, एक ऐसे खींचने वाला ऐसे, तब नहीं होगा, एक ऊपर एक नीचे तब नहीं होगा, एक फोर्स ऐसे पीछे होना चाहिए, एक फोर्स ऐसे अंदर होना चाहिए, मतलब एक ऐसे फोर्स एक ऐसे फोर्स। इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं कपल, कपल का मतलब होता है एक ही समय पे दोनों साथ में जब फोर्स लगे, कपल का मतलब एक ही समय पे दोनों मिलके लगे, मतलब एक ऐसे और एक ऐसे दोनों पेयर बना के ऐसे इसको घुमा दे, तो उसको हम लोग बोलेंगे कपल। तो यहां पर कपल फोर्स लगना चाहिए, और ऐसा लगना चाहिए कि वो कपल क्या करे कि इसको ऐसे पूरा घुमा दे। क्लियर है ना, तो कपल फोर्स से ये घूम जाना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग करेंगे, देखेंगे यहाँ पर कपल फोर्स बनता है कि नहीं बनता, बिल्कुल बनेगा। अभी यहाँ पर ये जो करंट का डायरेक्शन है इसको हम लोग ले लेते हैं क्लॉकवाइज, ये किसका डायरेक्शन है, करंट का। करंट का डायरेक्शन क्या लिया हम लोग, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आप एंटी क्लॉक भी लेकर कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा, सेम आएगा, क्लॉक एंटी क्लॉक दोनों चलेगा। तो हमको पता है कि यहाँ पर अभी मेरे पास फॉर्मूला है एक मैग्नेटिक फोर्स का, है ना, क्या फॉर्मूला है मैग्नेटिक फोर्स का, आई बी एल साइन थीटा। तो यही वाला यूज़ करेंगे हम लोग, आई बी एल साइन थीटा, ये वाला हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ है ये, यही वाला फॉर्मूला लाना है। ठीक है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, कि किसी एक वायर पे लग रहा फोर्स। तो यहाँ पर एक अलग से वायर है जिसमें करंट ऐसे जा रहा है, ये वायर में ऐसे जा रहा है, ये वायर में ऐसे जा रहा है। अच्छा, बहुत लोग पूछता है सर इस लूप में करंट कहाँ से आया, तो हम लोग यहाँ पर से ऐसे वायर से कनेक्शन दिए हैं इसको, ऐसे करके यहाँ से कनेक्शन दिए बैटरी से, तब इसमें करंट आया है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले पी क्यू पे फोर्स कितना वो निकालेंगे, फिर पी एस पे निकालेंगे, फिर एस आर पे, फिर आर क्यू पे, और सारा फोर्सेस को जोड़ देंगे और देखेंगे कि नेट फोर्स कितना आता है, और फिर देखते हैं कि कोई टॉर्क एक्सपीरियंस होता है कि नहीं होता है। तो टॉर्क एक्सपीरियंस करवाने के लिए एक फोर्स ऐसे मिलकर इसको ऐसे घुमाना चाहिए, तभी टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं कि पहले फोर्स निकालते हैं हम लोग, है ना, ये वाला फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग फोर्स निकालते हैं ये वाले में, पी क्यू पार्ट में,
तो पी क्यू पार्ट में अगर हम लोग देखें तो फॉर्मूला करंट इसमें कितना जा रहा है आई, इसमें बी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह बी है, यहाँ भी बी बी बी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्या लिए हैं, यूनिफॉर्म लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये लेंथ कितना है इसका, तो लेंथ इसका कितना है ए, ये वाला लेंथ कितना है ए, तो यानी कि इस लेंथ की जगह हम लोग ए लिख लिए। और साइन, साइन यहाँ थीटा डालना है, तो यहाँ पर थीटा कैसे डिसाइड होगा, थीटा यहाँ पर एल और बी के बीच का एंगल होता है, तो ये जो ए है उसका डायरेक्शन ऐसे है, है ना, क्योंकि ए भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ए का डायरेक्शन ऐसे, या फिर ऐसा बोल लो कि जिस तरफ करंट है उसी तरफ ए का डायरेक्शन है, तो करंट ऐसे तो ए भी ऐसे। तो यहाँ पर ये अगर ए ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ये ए ऐसे जाता हुआ है, ठीक है, ये ए का डायरेक्शन ऐसे है ना, और यहाँ पर ए अगर ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, देखना ठीक से, ठीक है, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो ये ब्लू वाला है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और ये ए ऐसे है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री, तो अगर 180 बन रहा है एंगल तो यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन 180, साइन 180 जीरो, तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो, ठीक है, क्योंकि ये मतलब कि यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर पी एस में आते हैं, तो फोर्स ऑन पी एस है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन, फोर्स हम लोग निकालेंगे पी एस पे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो इसका डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन है वो ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ये ब्लू वाला ऐसे जा रहा है, करंट का डायरेक्शन ऊपर है, या फिर ऐसा बोलो कि बी का डायरेक्शन ऊपर है, तो 90 डिग्री साफ साफ बन रहा है किसके बीच में मतलब यहाँ पर जब फॉर्मूला इसका लिखेंगे हम लोग आई बी बी, आई बी 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 लिए है ना, यहाँ का जो चौड़ाई है उसको बी लिए हैं, तो इसलिए एल के जगह पर बी डाल दिए, ठीक है। और यहाँ पर साइन कितना हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे है वो ऐसे है, तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 91 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आई बी बी, इसको ले देते हैं इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं फोर्स ऑन एस आर, एस आर रीजन में फोर्स कितना लगेगा वो निकालते हैं, तो एस आर रीजन में अगर फोर्स निकालना है तो उस केस में ये जो करंट का डायरेक्शन है वो ऐसे है, तो ये जो ए है वो भी इधर होगा, ठीक है, इस बार ए इस तरफ जाएगा, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो इधर जा ही रहा है, तो एंगल कितना हो जाएगा जीरो डिग्री, तो यहाँ देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आई बी ए लिखेंगे ना, और साइन जीरो, साइन जीरो कितना होता है जीरो, तो ये जीरो आ जाएगा इक्वेशन नंबर थ्री, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग निकालेंगे आर क्यू रीजन में, आर क्यू, तो फोर्स ऑन आर क्यू रीजन, आर क्यू मतलब ये वाला, तो यहाँ पर ये आर क्यू में ऐसे करंट है, या फिर ऐसा बोल लीजिए कि ये जो बी है उसका बी है ना, ये भी बी होगा ना, ये भी बी होगा, ये क्योंकि ये बी तो ये भी बी, तो करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी ऐसे है, तो एंगल 90 डिग्री, तो यानी कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आई बी बी साइन 90, साइन 91 होता है, तो ये आ जाएगा आई बी बी, ये हो गया इक्वेशन नंबर फोर, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक, नहीं सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारा इक्वेशन को, अब ये सारा इक्वेशन में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि अच्छा ये दोनों फोर्सेस जो है ना, ये इसका डायरेक्शन किधर होगा, ये फोर्सेस का, ये तो जीरो हो गया ये दोनों है ना, तो इन दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन कितना होगा, आप बोलिएगा सर नेट फोर्स तो टू आई बी बी लग रहा है, बट फोर्स लग ही नहीं रहा, फोर्स है नेट फोर्स नहीं है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। अच्छा पहले समझते हैं कि ये दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन किधर होगा इन दोनों का, तो हम लोग देखते हैं पहले पी एस, ये पी एस वाले में, तो ये पी एस वाले में हम लोग यूज़ करेंगे राइट हैंड थंब रूल है ना, फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल यूज़ करेंगे, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल किसके लिए होता है, फोर्स निकालने के लिए, जो कि ये बोलता है कि चार उंगली रखिए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, राइट हैंड का रूल यूज़ करना है इसका डायरेक्शन निकालने के लिए, तो चारों उंगली को रखना है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और ये अंगूठा को रखना है करंट डायरेक्शन में, तो करंट ऐसे ऊपर जा रहा है, तो पाम कहाँ पॉइंट कर रहा है, अंदर, मतलब ये जो पी एस रीजन है इसमें करंट ऐसे ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, लेकिन पाम अंदर जा रहा है, तो मतलब इस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा, मतलब ये वाला जो फोर्स आएगा इस केस में, देखिए देखना भाई समझना, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा कर रखें, चार उंगली मैग्नेटिक फील्ड, तो ये पाम अंदर जा रहा है, तो पाम अगर अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स ये वाला जो है, यानी कि ये वाला, ये कहाँ हो जाएगा, इनवर्ड्स, ठीक है, इनवर्ड्स का मतलब होता है क्रॉस, क्लियर है। और ये जो मेरा पी क्यू फोर्स होगा, पी क्यू पी क्यू आर आर क्यू आर क्यू मतलब ये वाला, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो पाम कहाँ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, चार उंगली, करंट नीचे, तो पाम कहाँ आ रहा है, बाहर, तो मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, डॉट, तो एक फोर्स अंदर एक फोर्स बाहर, वही बता रहे थे हम कि एक फोर्स ऐसे अंदर जा रहा है, ये वाला पी एस, पी एस रीजन में फोर्स अंदर जा रहा है, और ये आर क्यू ऐसे बाहर आ रहा है, तो दोनों फोर्स ऐसे घुमाने देगा भाई, वही जो तभी हम समझा रहे थे कि एक फोर्स ऐसे अंदर जा रहा है, एक फोर्स बाहर, तो ऐसे घूम जाएगा ये, उसके वजह से ऐसे ट्विस्ट हो जाएगा, क्लियर है। और किसके अबाउट, यहाँ यहाँ पर ऐसे, इसके अबाउट ऐसे घूमेगा ना ये वाला, तो यानी कि उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाला हो गया, इसके अबाउट ऐसे घूमेगा बीचों बीच, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन बना लेते हैं, है ना, ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ जिसके अबाउट ये घूमने वाला है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, नहीं सर कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ से
दोनों का जो मेरा नेट आने वाला है यहाँ से, यहाँ पर हम करके दिखाते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ से मेरा अगर हम लोग बात करें तो एक फोर्स इनवर्ड है, एक फोर्स आउटवर्ड है, और दोनों बराबर है। तो यानी कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हैश टैग, एक फोर्स अंदर की तरफ है, एक फोर्स बाहर की तरफ है, तो दोनों फोर्स आपस में क्या कर देगा, दूसरे को कैंसिल। लेकिन फोर्स तो है ना, मतलब ये जो दोनों फोर्स मिलकर एक टॉर्क तो बना देगा ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हैश टैग एफ पी एस एंड एफ आर क्यू फॉर्म अ कपल, फॉर्म अ कपल, कपल फोर्स विच रोटेट्स द कॉइल, जो कि कॉइल को क्या कर देगा, रोटेट्स द कॉइल, जो कि कॉइल को घुमा देगा, कॉइल में रोटेशन आने लगेगा, ठीक है। और इस रोटेशन की वजह से कॉइल में टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। अब अगर कोई इसमें पूछे कि इसमें रोटेशनल मोशन हो रहा है कि ट्रांसलेटरी, तो उसका जवाब होगा इसमें सिर्फ रोटेशनल हो रहा है, क्योंकि कॉइल जो है, वो जो कॉइल हम दिखा रहे हैं, ये वाला जो कॉइल है अपने एक्सिस के ही अबाउट, ऐसे से घूम रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसमें खाली क्या हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, ट्रांस और ये हो रहा है, मतलब कि ये अपने एक्सिस के अबाउट फिक्स्ड है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि नेट फोर्स कितना है, तो नेट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस तो जीरो है ही, और ये दोनों फोर्सेस भी जीरो हो जाएगा, कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, क्योंकि एक फोर्स ऐसे बाहर लग रहा है और एक ये फोर्स, एक फोर्स अंदर लग रहा है, एक फोर्स बाहर लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो नेट फोर्स जीरो है, लेकिन टॉर्क जीरो नहीं है, क्योंकि टॉर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो है ना, इसलिए नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, टॉर्क जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि फोर्स तो लग ही रहा है भाई, ऐसा नहीं कि फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन सारा फोर्सेस का एडिशन कितना है, जीरो। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं हैशटैग नेट फोर्स इज जीरो, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं कि टॉर्क निकालते हैं, ठीक है। तो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अब हम क्या किया ना, इसको ऐसे डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड करने का मतलब, पहले हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ का टॉर्क निकालते हैं। तो टॉर्क निकालते हैं हम पहले पी एस रीजन का, किसका, पी एस का। और जो टॉर्क पी एस रीजन का आएगा, वही टॉर्क किसका आएगा, वही टॉर्क आएगा आर एस रीजन का, क्योंकि दोनों का बराबर है दोनों टॉर्क, ठीक है। दोनों टॉर्क बराबर होगा ना, क्योंकि दोनों में फोर्स बराबर है, दोनों रीजन में ये जो फोर्सेस है वो इक्वल है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ लिख देते हैं, तो यहाँ तक तो ठीक है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, पी एस रीजन का निकालते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से एक काम करते हैं, ये दोनों टॉर्क को टाउ ले लेते हैं। तो टाओ बराबर, मतलब मान ले कि खाली पी एस निकालते हैं पहले, तो आर एस भी अपने आप निकल जाएगा। तो फोर्स कितना है यहाँ पर, तो पी एस का बात करें, यहाँ पर पी एस में तो फोर्स कितना आया था उसका, आई बी बी निकाले थे ना अभी पीछे, आई बी बी फोर्स निकाले थे ना अभी जस्ट पीछे, आई बी बी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेते हैं ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ए बाई टू, क्योंकि ये पूरा ए है, तो ये कितना हो जाएगा, ए बाई टू। यहाँ से इसके अबाउट ये ऐसे से घूम रहा है ना, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बाई टू, तो इसलिए यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना लिख देंगे, ए बाई टू। तो ये मान ले कि टॉर्क का पता नहीं कितना इक्वेशन था उधर, शायद चार हुआ था, ये पाँच हो जाएगा। ये टॉर्क निकला पी एस का। टॉर्क अगर हम निकालेंगे आर एस का, आर एस मतलब ये वाला पार्ट का, तो इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बाई टू, और इसमें भी फोर्स आई बी बी, तो यानी कि इसमें भी आ जाएगा आई बी बी ए बाई टू। तो दोनों में सेम आएगा, ठीक है, दोनों में सेम आ रहा है ना। अब हमको नेट टॉर्क चाहिए कि नेट ये ऐसे कितना घूम रहा है, तो उसके लिए दोनों को ऐड कर देंगे तो नेट टॉर्क मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर साइन थीटा वाला टर्म नहीं मिल रहा है, क्योंकि साइन थीटा को हम 90 मान के चले हैं, ठीक है। तो साइन थीटा को हम लोग यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे टॉर्क, है ना, तो अगर यहाँ से हम लोग नेट टॉर्क निकालेंगे तो क्या लिखेंगे उसको, टॉर्क पी एस प्लस टॉर्क आर एस, और ये दोनों टॉर्क आपस में ऐड हो जाएगा, टाओ प्लस टाओ, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों ऐड होके टू टाओ हो जाएगा, ठीक है, टू टाओ हो जाएगा ऐड होके। तो यहाँ से मेरे पास टाओ प्लस टाओ टू टाओ हो जाएगा, तो टू, और ये टाओ का वैल्यू कितना आया है, आई बी बी ए बाई टू, तो ये टू टू कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, आई बी बी ए, तो ये मेरा आया नेट टॉर्क, ठीक है, ये मेरा नेट टॉर्क आया। अब आगे हम उधर सॉल्व कर रहे हैं, ये मेरा नेट टॉर्क आया दोनों टॉर्क्स को जोड़ के, क्योंकि दो टॉर्क्स लग रहा है ना यहाँ पर, एक उस तरफ एक उस तरफ, दोनों मिल के इसको रोटेट कर रहा है, दो टॉर्क की वजह से तब ये रोटेशन हो रहा है। तो हम लोग जब नेट टॉर्क निकालेंगे यहाँ पर, तो नेट टॉर्क मेरा निकल के आया आई बी बी ए, ठीक है। अब यहाँ पर तेरे को मालूम होगा कि ये एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इस वाले रेक्टेंगल का लेंथ कितना है, ए, इसका ब्रेथ कितना है, बी। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ए बी, एरिया की जगह लिख देंगे ए बी, और एरिया को किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग, ए से, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल है इसका लेंथ लेंथ है ए, और ब्रेथ कितना है, बी, तो ए इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ से टॉर्क बराबर आई बी, इसकी जगह ए। अब यहाँ साइन थीटा नहीं है,
साइन थीटा क्यों नहीं है वो हम बता दे रहे हैं। साइन थीटा यहाँ कहाँ चल गया, इसमें तो साइन थीटा है फॉर्मूला में। एन का मतलब तो नंबर ऑफ टर्न्स है, हम यहाँ पर एक ही लूप लिए हैं ना, इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स को हम वन डालें, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में हम। अब यहाँ साइन थीटा क्यों नहीं है वो बता दे रहे, क्योंकि अभी ये लूप ऐसे है, ऐसे होने का मतलब ये है कि अभी इसका एरिया वेक्टर बाहर होगा ना, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो क्योंकि एंगल यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर इसलिए साइन नहीं, क्योंकि यहाँ पर साइन 90 हो गया है। लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा, जब ये ऐसे घूमेगा, जब ये ऐसे घूमेगा तो ये एंगल कितना बना लेगा, थीटा, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, जिसमें कि ये रखा हुआ है लूप, तो ये ऐसे घूमेगा ना, इस टाइप से, ऐसे इस डायरेक्शन में घूमेगा, तो घूमने का मतलब कि ये ऐसे हो जाएगा घूम करके, ऐसे हो जाएगा घूम करके। तो थोड़ा अलग हम बना दिए इसको, थोड़ा और अच्छा से बनाते हैं। घूमने के बाद ये कुछ ऐसे हो जाएगा, मतलब कि ऐसे हो गया, ये ऐसे घूम गया ना, ठीक है। तो इसमें जो फिर जो इसका एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बना लेगा। तो उस केस में हम थीटा लिख सकते हैं, अभी क्योंकि ये घूमा नहीं है ना, अभी इस अभी ये घूम मतलब कि घूमना अब शुरू हो चुका है, तो जब घूमेगा तो एंगल 90 नहीं बनाएगा। देख भाई, अभी समझ भाई कि ये वाला अभी ऐसे है, ये वाला ऐसे है अभी, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ये वाला ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। अभी जब ये मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये लूप ऐसे है, अभी ये लूप ऐसे घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो यहीं रहेगा, लेकिन ये लूप का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड से एंगल कितना बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये लूप ऐसे है, अभी मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन किया हुआ है, ठीक है, और ये लूप में जो एरिया वेक्टर है वो इस टाइप से है। तो जब ये लूप घूमेगा तो इसका एरिया वेक्टर भी, अभी देख, अभी समझ गया ना मेरे बात क्या हम बोल रहे हैं, कि ये जो एरिया वेक्टर है, देखना समझ समझना ध्यान से, ये एरिया वेक्टर इस लूप का ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो जब ये लूप घूमेगा तो उसका एरिया वेक्टर भी घूमेगा, तब यहाँ पर एंगल कितना बन जाएगा, थीटा, अभी 90 है क्योंकि अभी लूप रुका हुआ है जी, लेकिन जब ये लूप ऐसे घूमने लगेगा तो इसका एरिया वेक्टर ये वाला जो है वो भी ऐसे घूम जाएगा, तो एंगल फिर थीटा बन जाएगा। तो उस केस में फिर हम लोग यहाँ पर साइन 90 नहीं, थीटा लिखेंगे, क्लियर है। तो ऐसे करके टॉर्क आ जाएगा IBA sin θ। अब यहाँ पर फॉर एन टर्न्स, अगर यहाँ पर ये एक ही लूप हम लोग यहाँ लें, ढेर सारा लूप हो जाए, तो एन टर्न्स, एन कॉइल्स भी हो सकता है, कॉइल्स भी बोलते हैं। एन टर्न्स के लिए टॉर्क को हम लोग क्या लिखेंगे, NIAB sin θ, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि यहाँ पर ये AIA, अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे कि सिंस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, I into A, और तेरे को एक और बात मालूम होगा कि जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी इधर होगा। देख, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए तेरे को अभी रूल सिखाए थे हम, कि चार उंगली कर्ल करो करंट डायरेक्शन में, चार उंगली कर्ल करो करंट डायरेक्शन में, जिधर अंगूठा जाए उस तरफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अंदर है, और तेरे को मालूम है कि एरिया वेक्टर बाहर भी होता है और अंदर भी होता है। जैसे ये वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, इससे एरिया वेक्टर ऐसे बाहर भी होगा, बाहर भी होगा, और एरिया वेक्टर इससे ऐसे भी होगा, इधर भी एरिया वेक्टर, इधर भी एरिया वेक्टर, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किधर है, मैग्नेटिक डायपोल अंदर की तरफ है, मतलब ऐसे कर्ल करने पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अंदर आ रहा है, क्योंकि करंट ऐसे बह रहा है ना, तो ऐसे कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अंदर, ठीक है। तो यानी कि ये IA का जगह हम M लिख सकते हैं, तो टाओ बराबर क्या आ जाएगा, IA का जगह MB sin θ, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब ये एन तू चाहे तो हटा ले, नंबर ऑफ टर्न्स को वन ले ले, तो टॉर्क का फॉर्मूला MB sin θ भी होता है, उससे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यहाँ पर एन को हम लोग वन ले लिए, तो और ये IA का जगह एम लिखे हैं, ठीक है, तो ये भी टॉर्क का फॉर्मूला मिल सकता है, बाकी ये भी फॉर्मूला ठीक है, NIBBA sin θ है ना, NIBBA sin θ वो भी ठीक है। अब इसी टॉर्क का फॉर्मूला को हम लोग वैक्टर फॉर्म में लिखेंगे, और इस बारे में बात करेंगे कि ये टॉर्क का मैक्सिमम कब मिनिमम, मतलब ये जो कॉइल है उसको घुमा घुमा के रोटेट करके देखेंगे, ठीक है। अभी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था ना, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंज करने से भी टॉर्क चेंज होता है, ठीक है, और कब ये टॉर्क जीरो होगा, कब ये जीरो होगा टॉर्क, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, लिख ले इसको। तो यहाँ से मेरा जो टॉर्क निकल के आएगा, ठीक है, यहाँ से जो मेरा टॉर्क निकल के आएगा वो, मतलब मेरा टॉर्क निकल के आया वो आया MB sin θ है। अब इसके अंदर हम लोग कुछ स्पेशल केस देखते हैं, ठीक है, इस टॉर्क को रिलेट करते हुए। तो एक केस लेते हैं हम लोग यहाँ पर, पहला है ना, फर्स्ट केस हम लोग ये मान लेते हैं कि ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इसमें जो करंट लूप है उसमें करंट ऐसे बह रहा है, ऐसे। तो यहाँ पर अगर हम लोग कर्ल करेंगे चार फिंगर को करंट की दिशा में, तो एम अंदर आएगा, ये जो ऐसे डायरेक्शन दिखाएं ये मैग्नेटिक फील्ड का है, और ये चार उंगली को ऐसे कर्ल किए तो एम ऐसे अंदर जा रहा है, तो मतलब एम और बी के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, तो थीटा यहाँ बन जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा अगर 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर थीटा को 90 हम लोग लेंगे, तो टॉर्क मेरा आ जाएगा मैक्सिमम, जो कि कितना आएगा, MB आएगा, ठीक है, तो MB मैक्सिमम टॉर्क होता है। अब हम लोग नेक्स्ट एक और केस देखते हैं, दूसरा केस है ना, दूसरा केस ये है कि मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बाहर की तरफ है, डॉट, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, इस बार मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं है,
मैग्नेटिक फील्ड इस बार बाहर है, ठीक है, और टॉर्क जो मेरा लूप है, लूप जो है उसमें करंट ऐसे बह रहा है, लूप में करंट करेक्शन, सॉरी, लूप में करंट करेक्शन कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज था, अभी करंट क्लॉकवाइज है। तो जब हम लोग ऐसे कर्ल करेंगे तो ये एम जो है, एम इस बार बाहर आएगा। इस केस में एम अंदर जा रहा था क्योंकि कर्ल ऐसे करके अंदर जा रहा था, बट इस बार एम जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वो बाहर आएगा। तो एम अगर बाहर है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, देख मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एम बाहर, तो एंगल 180 बनेगा साफ साफ, ठीक है। तो यानी कि इस केस में थीटा बन रहा है 180 डिग्री, और थीटा जब 180 डिग्री बनेगा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एम एम जो है, एक मिनट देख लेते हैं, ऐसे किए तो एम बाहर आया, ऐसे किए तो एम बाहर आया और मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर, तो थीटा इस बार 0 डिग्री बन रहा है, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और एम दोनों बाहर है। तो यानी कि इस केस में जब हम लोग टॉर्क निकालेंगे तो टॉर्क आएगा मिनिमम, मिनिमम का मतलब है कि टॉर्क 0 आएगा। कैसे 0 आया, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला क्या है टॉर्क का, एम बी साइन थीटा, और साइन 0 डालें तो साइन 0 0, तो इसलिए 0 आ रहा है। तो इस केस में टॉर्क कितना आ रहा है, 0, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम लोग और भी केसेस ले सकते हैं, जैसे तीसरा केस जब 180 वाला भी ले लें, मान लें मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट कर दें, तो इन्वर्ट करेंगे तो 180 होगा, तब भी टॉर्क 0। तो टॉर्क 0 कब कब आएगा, थीटा 0 डिग्री पे और थीटा 180 पे, दोनों पे ही टॉर्क 0 आएगा, क्लियर है। तो ये कुछ केसेस हुआ है ना, और इसके बाद फिर हम लोग, अब बचता है मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। अब मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर हम थोड़ा समझाते हैं, है ना, थोड़ा कोशिश करते हैं समझाने का, कोशिश क्या, समझा ही देते हैं, लेकिन हो सकता है कि कन्वर्जन ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर शायद ना हो पाए, तो उसके लिए हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से देख लेना भाई, ठीक है। अच्छा, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है गाइज वो है मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉयल गैल्वेनो मीटर। मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, अब इसके अंदर अभी हम लोग मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर का जो डेफिनेशन है, जो थ्योरी है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले देखिए मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, पहले समझिए है क्या मूविंग कॉयल। यहां पर इस बारे में बात कर रहा है अभी, जो जिस कॉयल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, टॉर्क वाला जो था, टॉर्क एन आई ए बी साइन थीटा, उसी के बारे में बात कर रहा है कि जो कॉइल घूम रहा था ऐसे करके, तो उसमें टॉर्क रहा था, उसी मूविंग कॉइल के बारे में बात कर रहा है। इसीलिए आपको वो पढ़ाया गया टॉपिक, ताकि ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आप पढ़ पाएँ, ठीक है। तो इसके पीछे वाला जो जस्ट अभी जो पढ़ाएं, ये वाला फॉर्मूला गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर हम लोग किसको बोलते हैं, तो गैल्वेनोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट्स स्मॉल करंट, जो छोटा करंट को डिटेक्ट करता है, स्मॉल करंट। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि छोटा करंट को डिटेक्ट करता है ना, डिटेक्ट करता है कि करंट है कि नहीं, छोटा करंट को, कौन है, स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि छोटा करंट को डिटेक्ट करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो अब छोटा करंट को डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन एक बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहा है, मतलब जैसे होता है ना कि इंसान थोड़ा कम ही पैसा कमा रहा है, लेकिन उस पैसे को बढ़िया तरीके से यूज़ कर रहा है, उसको सेव कर रहा है, उसको मतलब एज अ सेविंग्स, मतलब सेविंग्स भी हो रहा है उसका, और कम पैसा कमा रहा है लेकिन सेविंग्स है उसका, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है ना, ज़्यादा एक्यूरेट होता है वो चीज़। वैसे ही मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर जो होता है वो मेज़र करता है, और छोटा ही करंट को मेज़र करता है, लेकिन सेंसिटिव तरीके से, मतलब जैसे छोटा भी करंट आप उसमें दीजिएगा तो बड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखाएगा, इसीलिए मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर का अब हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल के बारे में। तो प्रिंसिपल इसका बहुत सिंपल है, प्रिंसिपल जैसे पीछे था इसका, उसी टाइप का इसका प्रिंसिपल है मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर का, है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, इट इज़ मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ना, व्हेन अ करंट लूप एक्सपीरियंसेस, व्हेन अ करंट लूप एक्सपीरियंसेस है ना अ टॉर्क, व्हेन अ करंट लूप एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क है ना, करंट लूप एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू वैल्यू ऑफ करंट, मतलब यहाँ पर जो टॉर्क होगा वो जितना करंट बहेगा उसी का कारण है ना। व्हेन अ करंट लूप एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू वैल्यू ऑफ करंट है ना, देन इट शोज
डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में उतना ही डिफ्लेक्शन होगा जितना कि जो लूप होगा उसमें करंट हमको दिखेगा, मतलब लूप में जितना करंट आप दीजिएगा उसी हिसाब से जो गैल्वेनोमीटर जो है ना उसका सुई होता है कैसे करके, तो जितना आप करंट दीजिएगा उसी हिसाब से उसका सुई ऐसे करके डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा है कि जो करंट है वो किस, जो करंट है उस करंट की वजह से टॉर्क आ रहा है, और विथ रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ करंट देन इट शोज़ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो डिफ्लेक्शन को हम लोग यहाँ पर एंगुलर डिफ्लेक्शन भी बोलते हैं क्योंकि एंगल में मेजर हो रहा है ये। तो यानी कि हम साफ साफ बोल सकते हैं कि जो करंट है वो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर के प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर ये फाई का मतलब होता है डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये फाई का मतलब क्या है? डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। क्लियर है? तो यही सिंपल प्रिंसिपल है गैल्वेनोमीटर का, और यही रिलेशन आपको आगे चल के दिखेगा। तो अभी हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे। इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम समझना, अंडरस्टैंडिंग इसका, रेडियल फील्ड क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, ये सब समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग अभी इसका डायग्राम बनाने वाले हैं मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, तो इसका डायग्राम मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर का क्या होता है देखिए यहाँ पर ध्यान से, है ना। इसमें अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि इसका आप कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं अब कंस्ट्रक्शन का। तो कैसा दिखता है मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर? तो उसमें मतलब एक्चुअली जो इसका अभी जो हम लोग बनाने वाले हैं ना, वो अभी इसका हम लोग बनाने वाले हैं फ्रंट व्यू। इसका बनाने वाले हैं अभी हम लोग फ्रंट व्यू, है ना, सामने से कैसा दिखता है वो। ठीक है, तो फ्रंट व्यू इसका कुछ इस टाइप का होता है कि यहाँ पर डायग्राम, मतलब डायग्राम से ही एक्चुअली समझ में आएगा कि क्या है मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉयल, कॉयल घूमेगा तो गैल्वेनोमीटर में उसका जो स्केल है उसमें डिफ्लेक्शन दिखेगा, मतलब जो उसमें निडिल रहता है उस पर डिफ्लेक्शन दिखेगा। ठीक है, तो इस टाइप का ये कुछ होता है ना, और यहाँ पर से ये इस टाइप से थोड़ा सर्कुलर टाइप का होता है। ठीक है, और यहाँ पर इस टाइप का पोल होता है इसका, है ना, और यहाँ पर बीच में लगा रहता है वही मूविंग कॉइल। ठीक है, थोड़ा और इस तरफ होगा ये, ये हॉर्सशू मैग्नेट होता है इस टाइप का। ठीक है, इसी टाइप का हॉर्सशू मैग्नेट होता है, और यहाँ पर ऐसे करके एक कॉइल लगा रहता है। ठीक है, यहाँ पर ये रहेगा आपका ये गैल, ये कॉइल रहेगा ये वाला। ठीक है, और ये कॉइल में ढेर सारा टर्न्स होता है ना, और ये जो टर्न्स होता है ये सिलेंडर के ऊपर लपेटा रहता है, मतलब कि देखिए एक्चुअली में यहाँ पर क्या होता है ना कि इस टाइप का कोई सिलेंडर रहता है ना, और ये सिलेंडर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। यहाँ पर ना हम लोग ऐसे करके एक सिलेंडर लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो वायर रहेगा ना ये सिलेंडर के ऊपर ऐसे लपेटा रहेगा, तो वही अभी हम बना के दिखाने वाले हैं आपको कि यहाँ पर एक सिलेंडर रहेगा, इस सिलेंडर के ऊपर ऐसे करके वायर लपेटा रहेगा, है ना, इस टाइप से। ठीक है, ये मान लीजिए वायर है, वही जो कॉइल होता है, कॉइल जिसमें करंट फ्लो करवाना है हमको, तो उसको ऐसे करके लपेट देंगे उसके ऊपर, और जितना करंट पास करेंगे उसी हिसाब से ये कॉइल घूमेगा, मतलब कि सिलेंडर घूमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसे सिलेंडर भी होता है, हम सिलेंडर को बना के दिखाते हैं। ठीक है, कॉइल थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया है, यहाँ पर एक ऐसे करके सिलेंडर रहेगा। ठीक है, और सिलेंडर के ऊपर क्या लपटा रहेगा? वायर लपटा रहेगा, है ना, और यहाँ से अटैचमेंट रहेगा, और ऐसा ढेर सारा कॉइल्स होता है यहाँ पर, हम तो एक ही बनाए हैं, यहाँ पर बहुत सारा कॉइल होता है इस टाइप से। कॉइल मतलब वही वायर, है ना, जितना वायर लपेटिएगा उतना ज़्यादा यहाँ पर आपको टॉर्क मिलेगा। ठीक है, उतना ज़्यादा ये घूमेगा, तो ढेर सारा वायरिंग रहता है, और यहाँ पर ये ऐसे सपोर्ट के लिए लगा हुआ है। ठीक है, इट इज़ जैसा सपोर्ट, और यहाँ पर ऐसे करके एक वायर लगा रहता है जिसको हम लोग हेयर स्प्रिंग बोलते हैं, और यहाँ पर भी एक ऐसे करके हेयर स्प्रिंग लगा रहता है, और ये दोनों हेयर स्प्रिंग जाके एक स्विच में जुड़ता है। तो यहाँ पर जब ये स्विच को आप ऑन कीजिएगा तब इससे करंट फ्लो करेगा, और ये करंट जो है इस हेयर स्प्रिंग से होते हुए यहाँ जाके इस कॉइल में फ्लो करेगा, और क्या होगा कि ये जो कॉइल है वो ऐसे घूमने लगेगा, वही वाला जो पीछे दिखा रहे थे ऐसे करके घूमेगा जो, है ना, जो पीछे आपको दिखा रहे थे ना, ये वाला जो कॉइल है ये कॉइल ऐसे करके घूमेगा, और जब कॉइल घूमेगा तो उसके साथ ये जो सिलेंडर इसके बीच में माउंट किया हुआ है जिसको सॉफ्ट आयरन कोर बोलते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है इसका, तो उसके साथ साथ ये घूमेगा और पूरा ऐसे डिफ्लेक्शन होगा। और यहाँ पर क्या होता है ना कि ये जो सिलेंडर जितना घूमता है तो इस सिलेंडर से ना एक मीटर ऐसे कनेक्टेड होता है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे करके मीटर स्केल लगा होता है ना, ऐसे करके रहता है, और यहाँ पर एक मीटर स्केल लगा होता है। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, और ठीक से देखिएगा यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो मीटर स्केल दिख रहा है, ये वाला ये जो आपको सुई जो है, निडिल जो है इससे जुड़ा हुआ है, किससे? सिलेंडर से। तो जितना ज़्यादा ये कॉइल और सिलेंडर साथ में घूमेगा उतना ज़्यादा ये निडिल आपस में अपने क्या दिखाएगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ऐसे करके डिफ्लेक्ट हुआ है ऐसे करके। तो वही बोल रहे हैं कि अभी आप जितना करंट दीजिएगा उसके अनुसार ये घूमेगा। क्लियर है ना? और ये क्या बनाया हम लोग? मैग्नेट बनाए हैं, और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है। ठीक है, नॉर्थ पोल है और यहाँ पर क्या है? साउथ पोल। और आपको पता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेट थोड़ा सा ये वाला ना और नीचे होना चाहिए, हल्का ये और ऐसे होना चाहिए। ठीक है,
क्योंकि ये जो होता है ना मैग्नेट, एक्चुअली में होता ही है ये, ताकि ये यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पास कर सके। तो कुछ ऐसा ही होगा ये, ठीक है, इस टाइप से होगा कुछ, है ना। यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल के उसमें जाएगा, क्लियर है। तो ये कुछ सेटअप हुआ, इसका फ्रंट व्यू हुआ, और आप ये फ्रंट व्यू हम लोग बनाए। अब इसका टॉप व्यू हम लोग बनाएंगे, उससे थोड़ा और क्लियरेंस होगा। यहाँ नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हुआ, ठीक है। और ये आपका जो ऊपर में लगा हुआ है, ये एक हॉर्सशू मैग्नेट है। ये क्या है, हॉर्सशू मैग्नेट है ना। हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है, ऐसे करके ये इस टाइप से हॉर्सशू मैग्नेट है, ठीक है। अब इसका हम लोग अगर टॉप व्यू देखें, टॉप व्यू मतलब सिर्फ यही वाला पार्ट है। तो देखिए, पहले तो एक बात समझिए ना कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मैग्नेट, ये मैग्नेट थोड़ा सा इस टाइप से होता है। मतलब कि यहाँ पर एक्चुअली में कुछ इस टाइप से होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कुछ ऐसे निकलता है। मतलब नॉर्थ पोल एक्चुअली में ना, यहाँ पर जैसे यहाँ भी वैसे ही होता है, यहाँ पर कुछ इस टाइप से है ये वाला, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का है। मतलब कि ये ऐसे रखा है, और ये अभी आप यहाँ ऊपर से देखना चाहते हैं, ये सिलेंडर को ऐसे करके ऊपर से देखना चाहते हैं। तो इसका टॉप व्यू ना देखिए ऐसा बनेगा। यहाँ पर हम बना देते हैं टॉप व्यू, सॉरी टॉप व्यू, है ना, टॉप व्यू कुछ ऐसा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आपको जैसा दिख रहा है ना, वैसा नहीं रहता है। अच्छा, समझिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रहा है, मतलब इसके ऊपर से। अभी ये मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा ओरिएंटेशन बदल जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर एक सिलेंडर यूज़ किए हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पर है ये साउथ पोल, ठीक है। तो अगर आप ऊपर से देखिएगा तो ये सिलेंडर आपको दिखेगा। तो ये देखिए, ये सिलेंडर रहा छोटा सा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, इससे ऐसे ऐसे वायर गुजर रहा है, तो ये वायर भी आपको गुजरते हुए दिखेगा ऐसे करके। तो ये वायर सबको दिख रहा है, वायर ऐसा नहीं होता है, वायर यहाँ से इधर से थोड़ी आएगा, वायर यहीं पर खड़ी रहेगा, सिलेंडर से सिर्फ गुजरेगा ना वायर। तो ये जो आपको दिख रहा है ना सिलेंडर के, सिलेंडर का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला, इसके ऊपर वायर ऐसे लपेटा हुआ ना, काला वाला वायर, काला काला वायर, तो वही काला वायर आपको दिख रहा है। और ये काला वायर और ये जो सिलेंडर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधा नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बदल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन रेडियल हो जाएगा। रेडियल का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि मतलब ऐसे हो जाएगा मैग्नेटिक। अब क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये जो मेरा सिलेंडर है, ये एक सॉफ्ट आयरन कोर का बना होता है, और सॉफ्ट आयरन कोर एक स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये अपने आप इस टाइप से रेडियल हो जाएगा। अब ये थोड़ा आपको समझाते हैं, ये इतना इतना आसानी से बोल के निकलना ये इतना इजी नहीं है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं हम कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये तो ऐसे सीधा सीधा जा रहा था, बट ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमको जब ऊपर से देख रहे हैं तो हमको ऐसा क्यों दिख रहा है, मतलब इस टाइप से क्यों लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे रेडियल आ रहा है। तो आपको हम समझाते हैं, ठीक है। सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ही रेडियल टाइप का दिखेगा, रेडियल नाम रखें इसका, क्योंकि एकदम ऐसा लग रहा है कि एक जगह पर जाके, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जाके यहाँ रेडियस पर मिलेगा ऐसे करके। तो ऐसा होता नहीं है, हालांकि ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से, थोड़ा सा समझाते हैं हम आपको, इसको बना लीजिए, ठीक है। ये इसका फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू, बना लीजिए पहले इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दूसरा वाला है, इसमें इसके बारे पहले आप लिखिएगा कि जो मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर होता है ना, उसमें क्या होता है, जब जब उसमें टॉर्क लगता है। अच्छा, पहले तो बात यहाँ पर करते हैं हम लोग ये वाला का, ये फील्ड का, ये फील्ड ऐसे कैसे है। पहली बात तो समझिएगा कि ये एक्चुअली में फील्ड लाइंस क्या होता है ना, वो जो तुम आपका होता है, यहाँ पर लिखते हैं द सिलेंड्रिकल किसको बोल रहे हैं, वो जो सिलेंडर बनाए थे, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर मेक्स द सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर का ना एक खासियत होता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने तरफ ऐसे कर लेता है, क्योंकि ये जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। तीन टाइप का सब्सटेंस होता है दुनिया में, एक डाई, एक पैरा, एक फेरो। फेरो उसको बोलते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को अपने तरफ एकदम बुला लेता है। तो ये इसलिए हम लोग ये सिलेंडर को लगाते हैं, जो आपको बता रहे थे अभी, इसलिए जो सिलेंडर होता है उसके ऊपर ऐसे करके कॉइल लपेटते हैं। तो द सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर मेक्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रेडियल। रेडियल मतलब कि ऐसा लगेगा कि ये सिलेंडर का रेडियस की तरफ जा रहा है, ये सिलेंडर का खाली खोपड़ी है ना ऊपर वाला पार्ट। तो द सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर मेक्स द मैग्नेटिक फील्ड रेडियल फील्ड, उसको रेडियल बना रहा है फील्ड लाइन को। अब ये रेडियल फील्ड क्या होता है, तो ये रेडियल फील्ड का बहुत सारा खासियत है, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले ये हो कैसे रहा है ये ना, थोड़ा उसको एक्सप्लेन यहाँ पर यहीं पर बना दे रहे, ठीक है। आप चाहे तो इसको लिखने से पहले इसको बना लीजिए, ठीक है। देखिए, एक्चुअली में यहाँ पर क्या हो रहा है ना, हम बना के आपको समझाते हैं थोड़ा। यहाँ पर हो क्या रहा है कि हमको जो फील्ड लाइंस लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, ये नॉर्थ पोल मैग्नेट का, ये साउथ पोल, और ये हम लोग टॉप व्यू देख रहे हैं, मतलब कि ऊपर से वो जो सिलेंडर ऐसे बनाए थे उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो ये फील्ड लाइंस पहले तो लग रहा है कि ऐसे गया है, और ऐसे जाने के बाद लग रहा है ऐसे निकल रहा है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ, एक्चुअली फील्ड लाइन ऐसे गया है
और यहाँ से निकला है, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे गया है, तो ये ऐसे निकला है फील्ड लाइन, ठीक है, तो फील्ड का डायरेक्शन ये है, बट हमको ऐसा लग रहा है कि वो रेडियल हो गया है, समझ में आ रहा है। उससे एक फ़ायदा है रेडियल होने से, फील्ड का बहुत फ़ायदा है उससे एक रेडियल होने का। अब रेडियल होने का क्या फ़ायदा है वो अभी हम आपको समझाते हैं। ये वाला जो फील्ड है, ये वाला भी जो फील्ड है जो कि ऐसे हो गया है, वो ऐसा ऐसा लग रहा है कि वैसे, बट वो ऐसे गया है फील्ड, तो ये एक्चुअली डायरेक्शन है फील्ड का। लेकिन यहाँ देखने से ऐसा लग रहा है, ये वाला डायग्राम को देखने से, अगर एक्चुअली में आप सोचें तो आपको ऐसा लग रहा है देखने से कि फील्ड्स कुछ इस टाइप का हो गया है। यहाँ पर ये ऐसे सिलेंडर है, तो उसमें लग रहा है कि फील्ड ऐसे हो गया, मतलब कि यहाँ से आया और यहाँ पर जो इसका सेंटर है उसमें ऐसे आके ऐसे पार होके और तब ऐसे गया, बट ऐसा नहीं हुआ है, थोड़ा ये गड़बड़ हो गया। इसमें ऐसा लग रहा है कि ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर से फील्ड ऐसे जा रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि मतलब इस टाइप से गया है फील्ड, सॉरी, मतलब लग रहा है कि फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है इस टाइप से, ये ऐसे और ये दूसरा वाला ऐसे, बट तो इसको देखने से लग रहा है यहाँ पर कट जाएगा, वही बोल रहे हैं ना कि यहाँ पर तो ऐसा लगेगा कि इंटरसेक्ट हो जाएगा फील्ड, इसलिए हम कह रहे हैं कि फील्ड लाइन ऐसे नहीं गया है, फील्ड लाइंस गया तो ऐसे है, बट हमको ऊपर से देखने से ऐसा लग रहा है कि फील्ड लाइंस अपीयर लग रहा है, अपीयर लग रहा है फील्ड लाइन कि ये यहाँ से ऐसे गया है, मतलब ये वाला जो फील्ड है वो ऐसे गया है, बट वैसा हुआ नहीं है, ये अपीयर वैसा कर रहा है कि वैसा, बट एक्चुअल ये डायग्राम है, दिस इज़ द एक्चुअल डायग्राम, और ये हमको अपीयर हो रहा है ऐसा, है ना, इट अपीयर्स ऐसा देखने से लग रहा है, क्योंकि अंदर में कोई फील्ड थोड़ी दिख रहा है, ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो एक्चुअल ये हो रहा है ना, दिस इज़ एक्चुअल, और ये हमको अपीयर हो रहा है, अपीयर्स, ठीक है, तो ये आप चाहें तो लिख सकते हैं, हालांकि एग्ज़ाम में इसको नहीं बनाना है, एग्ज़ाम में तो यही बनाना है, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या है, इससे बहुत फ़ायदा है, देखिए फ़ायदा ये है ना कि अगर फील्ड लाइंस इस टाइप का हो गया है, तो अगर ये जो कॉइल है, ये अगर कॉइल ऐसे रोटेट भी हो जाता है, जैसे समझिएगा ये वाला जो कॉइल है, मान लीजिए कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये कॉइल मान लीजिए कि ऐसे है ना, टॉप व्यू देखने का मतलब ये है कि ये जो सिलेंडर है वो इस नीचे की तरफ है, यहाँ पर ना आपको बना के बताते हैं, देखिए ये सिलेंडर ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पर जो सिलेंडर का एरिया वेक्टर है वो इस टाइप से है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास जो टॉर्क का फॉर्मूला, यहाँ लिखते हैं टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला है एन आई ए बी साइन थीटा, यही फार्मूला है ना टॉर्क का, तो ये हम थीटा को 90 डिग्री करना चाहते हैं हमेशा, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्योंकि ऐसे है, मान लीजिए कि ये वाला जो कॉइल है वो इस टाइप से है, तो इस ये जो एरिया वेक्टर है, ये जो सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल ये सिलेंडर का ऊपर वाला पार्ट यानी कि ये वाला, तो यहाँ से एरिया वेक्टर ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, इस टाइप से है रेडियल, तो सिलेंडर अगर रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि ये फील्ड को रेडियल बनाने से हम क्या किए ना, अगर मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, यहाँ पर बनाते हैं, मान लीजिए जैसे यहाँ पर ना आपको समझाते हैं थोड़ा, देखिए जैसे ये मान लीजिए ये कॉइल है, ठीक है, और मैग्नेटिक ये कॉइल मतलब कि किस टाइप से, ये सिलेंडर मान लीजिए ऐसे, और सिलेंडर में कॉइल ऐसे लपेटा हुआ है। अब पहले ये सोच के बताना भाई कि क्या ये सिलेंडर रुका है, नहीं सिलेंडर रुका नहीं, सिलेंडर हमेशा ऐसे घूम रहा है, तो सिलेंडर घूम रहा है ना, तो उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी लग रहा है कि घूम रहा है, मतलब मान ले कि भाई अभी इसका एरिया वेक्टर ये वाले कॉइल का ऐसे है, ये एरिया वेक्टर हुआ इसका, फिर जब ये घूम जाएगा, मतलब अभी मैग्नेटिक फील्ड इसके अलॉन्ग है ना, ये वाला ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, जब ये ऐसे घूम जाएगा और घूमने के बाद ऐसे, अभी ये मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से है, जब ये घूम जाएगा तो घूमने के बाद मान लीजिए ऐसे हो गया, ये वाला जो घूम के घूमने के बाद मान लीजिए ऐसे सीधा हो गया मान लीजिए ऐसे करके, तो इसका जो कॉइल, पहले तो एरिया वेक्टर किसका देख रहे हैं हम, ये वाला जो कॉइल का जो रस्सी है, जो कॉइल लपेटे हैं उसका रस्सी को दिखा रहे हैं ना, तो उसका रस्सी का एरिया वेक्टर ऐसे है अभी, और फिर लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है, बट एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे भी है ना, इस टाइप का भी मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है मेरे पास, मतलब ये अगर कॉइल घूम भी जाएगा तो ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि ऐसे है, वो इस कॉइल के क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड पहले ऐसे भी है, ऐसे भी है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी है, तो ये कॉइल कितना भी घूम जाए मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उसके परपेंडिकुलर रहेगा, जैसे ये कॉइल यहाँ से घूम के यहाँ आ गया, तो यहाँ से घूम के ऐसे हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी ऐसे और ये कॉइल ऐसे 90 डिग्री, मान लो ये कॉइल घूम गया और ये कॉइल घूमा, मान लो ऐसे हो गया कॉइल घूम के, मान लो कॉइल और घूम गया, कॉइल घूमने के बाद यहाँ पहुँच गया, तो कॉइल घूमने के बाद यहाँ पहुँच गया तो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी 90, मान लो कॉइल और घूम गया ऐसे हो गया तभी भी मैग्नेटिक फील्ड 90, तो कितना भी ये कॉइल घूम जाए, मान लो कॉइल घूम के ऐसे हो गया, तो यहाँ भी तो एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि ऐसे के निकल रहा है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और ये कॉइल ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड से हमेशा ये जो एरिया वेक्टर है वो एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री, इसीलिए हम लोग रेडियल फील्ड लेते हैं, ताकि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर हो जाए। अगर हम लोग यहाँ पर रेडियल फील्ड इस टाइप का नहीं लेते, तब तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा चेंज होता रहता, हम चाहते हैं कि थीटा हमेशा 90 डिग्री रहे, इसलिए हम क्या करते हैं, ये कॉइल अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, मतलब कि उसके परपेंडिकुलर, कॉइल का ये जो टर्न्स है वो ना ऐसे है, कॉइल का एरिया वेक्टर तो ऐसे होगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर, जब ये कॉइल घूम के मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी यहाँ पर ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जब ये कॉइल घूम जाएगा, मान लीजिए कॉइल घूम के सीधा हो गया, मान लीजिए कॉइल घूम के ऐसे सीधा हो गया,
कॉइल का जो टर्न्स था वो घूम कैसे सीधा हो गया, तो घूमने के बाद ये इसका एरिया वेक्टर ऐसा हो गया, तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड काम कर देगा, बोलेगा हम तेरे साथ परपेंडिकुलर। तो ये कॉइल कितना भी घूम जाए मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उसके परपेंडिकुलर रहेगा। मान ले कि ये कॉइल यहाँ से हटा, मान ले ये कॉइल यहाँ से हटा, कॉइल ऐसे था मान ले, और ये कॉइल यहाँ ऐसे हट के मान ले कॉइल ऐसे हो गया, कॉइल ऐसे हो गया, तो यहाँ पर ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो फिर से एंगल कितना बना देगा ये 90 डिग्री। तो ये कितना भी घूम जाए, अच्छा तो कितना भी घूम जाए, ये जो रेडियल फील्ड है ये रेडियल फील्ड हमेशा 90 डिग्री ही बनाएगा उसके साथ। ये फ़ायदा है रेडियल फील्ड का, समझ आया फ़ायदा कि नहीं समझ में आया? ठीक है, ये फ़ायदा हुआ रेडियल फील्ड रखने का। ठीक है, तो इस तो रेडियल फील्ड रखने का तीन फ़ायदा है, हम यहाँ पर लिखते हैं फ़ायदा है। ठीक है, तीन फ़ायदा है रेडियल फील्ड बनाने का। पहली बात तो पहला चीज़ तो यहाँ पर पहला चीज़ ये हुआ कि ये हम लोग यूज़ करते हैं, अब रेडियल फील्ड का फ़ायदा हम लोग यहाँ पर पहले लिख रहे हैं, रेडियल फील्ड मतलब ऐसे ऐसे घुसता हुआ फील्ड। इसका पहला फ़ायदा ये है कि यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा है ना, यहाँ लिख देते हैं एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज़ ऑलवेज 90 डिग्री, हमेशा 90 पे सेट हो जाएगा, पहला फ़ायदा। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्योंकि ऐसे पास आ गया है, ऐसे पास आ गया है, तो पास आने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रांग हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा तो टॉर्क बढ़ जाएगा, टॉर्क बढ़ जाएगा तो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में वो ज़्यादा मिलेगा, तो अच्छा होगा ज़्यादा बात, और सेंसिटिव हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इंक्रीजेस द टॉर्क, टॉर्क बढ़ जाएगा इससे। ठीक है, और भी पॉइंट हो सकता है, तीसरा एक और पॉइंट है यहाँ पर कि सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर बढ़ जाएगा, टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा, तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी मतलब गैल्वेनोमीटर जल्दी जल्दी करंट को डिटेक्ट करेगा, मतलब एकदम करेक्टली मेजर करेगा करंट को, सेंसिटिविटी इंक्रीजेस। तो ये सब फ़ायदा है रेडियल फील्ड का। ठीक है, रेडियल फील्ड लगाने का ये फ़ायदा है ना, और बाकी वो तो हम लिखवा ही दिए हैं फोर्थ पॉइंट में, उसको भी लिख सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ, वो तो हो ही गया, स्ट्रेंथ ऑफ यहाँ पर लिख ही देते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लिख देते हैं ना, ये टॉर्क क्यों ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट ये वाला हो गया है ना, ये पहला पॉइंट हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा पॉइंट हुआ। ठीक है, तो सेंसिटिविटी बढ़ने का मतलब ये है गैल्वेनोमीटर का कि टॉर्क उसमें ज़्यादा लग रहा है, टॉर्क ज़्यादा लग रहा है तो जो सुई है उसको ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो इसका मतलब करंट को बेहतरीन तरीके से मेज़र कर रहा है। तो ये सब पॉइंट्स हुआ रेडियल फील्ड के बारे में। ठीक है, हमको लगता है हम रेडियल फील्ड समझा दिए हैं। यहाँ रेडियल फील्ड अगर ऐसे रहेगा तो मैग्नेट जो ये रहेगा वो ऐसे रहेगा, फिर ये जब सिलेंडर ऐसे घूम के यहाँ पहुँच जाएगा तो इसका जो ये कॉइल है ये भी, मतलब ये जो रस्सी है ये भी यहाँ घूम जाएगा, तो रस्सी का एरिया वेक्टर जब ऐसे होगा तो ये वाला फील्ड इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उसके परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्या बात करेंगे, ये हो गया सारा, अब ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ हो गया। अच्छा, एक चीज़ और ऐड करना है पॉइंट में कि मेरा जो ये है कंस्ट्रक्शन के ही अंदर लिखना है, मेरा जो ये है रेडियल फील्ड, सॉरी मेरा जो हेयर स्प्रिंग है वो एक मतलब कि बैकवर्ड टॉर्क प्रोवाइड करता है, बैकवर्ड टॉर्क या फिर रीस्टोरिंग टॉर्क है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं हेयर स्प्रिंग जो है ना, यहाँ हेयर स्प्रिंग क्या करता है वो हम समझाते हैं। जैसे मान ले कि भाई ये कपड़ा है, ठीक है, अब ये कपड़ा को हम ऐसे ऐंठे, तुम देखना कि जो सिलेंडर हम बनाए थे वो एक ऐसे करके मान ले इसको ऐंठ देंगे कपड़ा को, और ऐंठने के बाद इसको ऐसे छोड़ देते, ये कपड़ा वापस ऐसे घूमने लगेगा। तो वही चीज़ हम बोल रहे हैं कि वो जो तेरा हेयर स्प्रिंग है वो सिलेंडर के साथ ऐसे जुड़ा है ना, हेयर स्प्रिंग सिलेंडर के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है, तो जब ये हेयर स्प्रिंग ऐसे घूमेगा, हेयर स्प्रिंग मान ले कि ये जो रस्सी है इसको ऐसे हम मोड़ दें, क्योंकि देख भाई जब भी टॉर्क लगने का मतलब ये घूम रहा है कॉइल, जब कॉइल घूमेगा फिर इसको छोड़ देंगे तो ये वापस अपना रस्सी अपना ऐसे घूमेगा। तो यानी कि जो हेयर स्प्रिंग है, हेयर स्प्रिंग क्या कर, हेयर स्प्रिंग जो ऐसे करके लपेटे थे उसमें हेयर स्प्रिंग टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि ट्विस्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, वापस टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क है ना। तो हेयर स्प्रिंग, स्प्रिंग इसलिए लगाया था कि क्योंकि स्प्रिंग घूम सकता है, हेयर स्प्रिंग प्रोवाइड्स रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोर करेगा टॉर्क को। ठीक है, अब वन शॉट वीडियो है इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा बताना पड़ रहा है, तो बहुत डिटेल में हम ये सब बताते हैं आपको। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग आते हैं फार्मूला पे इसका। ठीक है, कि फार्मूला क्या होता है ना, तो आप लिख सकते हैं वर्किंग फार्मूला है ना, वर्किंग फार्मूला क्या है, वर्किंग फार्मूला ये है कि मेरा जो टॉर्क निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, एन आई ए बी आ रहा है, क्योंकि साइन 90 हो गया, 1 हो गया, तो ये इक्वेशन 1 आ रही है, टॉर्क आ रहा है, और मेरा जो टॉर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल है, मेरा जो टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल किसके है, टॉर्क प्रोपोर्शनल था फाई के, जितना ज़्यादा टॉर्क लगेगा उतना ही ट्विस्ट होगा।
तो इसमें से हम लोग एक कांस्टेंट यहाँ दे देते हैं सी, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट, वो तो रस्सी लगाए हैं उसका कांस्टेंट। यहाँ पर ऐसे करके रस्सी लगाए थे ना, रस्सी से ऐसे कॉइल को लटकाए थे, तो ये रस्सी का क्या मटेरियल है वो सी है यहाँ पर, ये इक्वेशन टू। और ये रस्सी कितना घूमता है उसी को हम बोल रहे हैं रिस्टोरिंग टॉर्क, मतलब जितना ज़्यादा हम लोग टॉर्क लगाएंगे, जितना हम लोग करंट पास करेंगे लूप लूप में, उतना ज़्यादा टॉर्क बनेगा, उतना ही ज़्यादा रिस्टोरिंग भी बनेगा। तो यानी कि ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होगा अगर, तो यहाँ से मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, एन आई ए बी बराबर सी फाई, सी फाई। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे करंट, तो करंट यहाँ से कितना आ जाएगा, इस तरफ बता रहे करके, यहाँ से करंट आ जाएगा आई बराबर सी फाई बाई एन ए बी, और ये आई बराबर सी फाई बाई एन ए बी, और ये जो सी है वो कांस्टेंट है, सी का मतलब बोलते हैं हम लोग टॉर्शनल कांस्टेंट। वो जो रस्सी लिए थे ना, वो रस्सी किस मटेरियल का बना हुआ है, वो जो रस्सी से जिसको बांधे थे, मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर में जो कॉइल था जिस रस्सी से उसको लपेटे थे, ये रस्सी, उस रस्सी को, इस रस्सी का जो मटेरियल होता है उसको बोलते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट, है ना, किस मटेरियल का बना हुआ है ये। तो यहाँ से ये सी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब जितना जितना हम लोग लूप में लपेट रहे हैं, मतलब वो सिलेंडर में जितना रस्सी लपेट रहे हैं वो भी कांस्टेंट, और एरिया जो है वो जो लूप हम लोग बना रहे हैं, ऐसे रस्सी लपेट लपेट के जो लूप का लूप एक तैयार हो रहा है उसका एरिया भी कांस्टेंट, बाकी मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है ही। तो ये सारा कांस्टेंट हो गया, तो ये सारा कांस्टेंट को हटा के हम लोग लिखते हैं यहाँ पर जी, जिसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जी का मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, क्योंकि ये सारा टर्म्स कांस्टेंट था, गैल्वेनो मीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। और देखिए यहाँ से तेरे को जो प्रिंसिपल था गैल्वेनोमीटर का वो मिल रहा है कि करंट जो है वो डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इस गैल मतलब हम लोग जितना करंट पास करेंगे उतना ज़्यादा कॉइल घूमेगा, उतना डिफ्लेक्शन दिखेगा। ठीक है, किस में डिफ्लेक्शन दिखेगा, वो जो सुई था, वो जो सुई ऐसे लगाए थे उसमें उतना डिफ्लेक्शन दिखेगा, ये जो एंगल है उतना ही बढ़ेगा, ये एंगल बढ़ते जाएगा, मतलब डिफ्लेक्शन बढ़ने का मतलब है कि ये एंगल का वैल्यू बढ़ेगा, ये एंगल बढ़ेगा, कब बढ़ेगा ये एंगल, जितना हम लोग करंट पास करेंगे उसी हिसाब से ये डिफ्लेक्शंस बढ़ेगा। क्लियर है गैल्वेनोमीटर में, तो ये पूरा गैल्वेनोमीटर का कहानी हुआ छोटा थोड़ा बहुत, है ना, और ये फॉर्मूला हुआ इसका। ठीक है, अभी हम लोग का एक टॉपिक बच गया है ना, तो अगर हम यहाँ पर लिख ही देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं उस बात को, ठीक है, उस बात को हम यहाँ लिख देते हैं, है ना। अगर आपको वो देखना है, आज मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हम यहाँ पर, तबीयत ठीक है लेकिन मेरा मतलब कि सर्दी और थोड़ा सा एनर्जेटिक थोड़ा सा लग रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं हैशटैग। अगर आपको ये देखना है कि कन्वर्जन वाला जो है, कन्वर्जन अभी तो लिंक नहीं देंगे, कुछ दिन में लिंक दे देंगे, कन्वर्जन ऑफ एमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर को एमीटर में और वोल्ट मीटर में, तो इसके लिए आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए चैनल का, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास बात करेंगे, ये वाला टॉपिक बस छूट गया, बाकी सारा कवर हो गया, इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको आप देख सकते हैं। वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो, ठीक है, थोड़ा नॉर्मल ही पढ़ाएं आज, है ना, तो आप देखिए बताइए कैसा लगा। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।